हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दैट इज़ एडियो ग्रोन। दिस इज़ रिचा शर्मा, योर सोशल साइंस एजुकेटर। एज यू नो दैट हमने हमारे चैनल पे क्लास 10th एंड 9th के लिए न्यू सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ के साथ में ये जो कोर्स है आपका, इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है जिसके कारण आपके फाउंडेशन कोर्स में भी हेल्प मिल सके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू यू, एंड दैट इज़ कि अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स आपको कैसे बनाने पड़ेंगे। उसके लिए सिंपल से आपको क्या करना है, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि लिंक डाल रखा है हमने, ठीक है। और मैं यहाँ भी बता देती हूँ, www.edugrown.in। इस पर जाके आप विजिट करेंगे तो क्लास 9th एंड 10th के किसी भी सब्जेक्ट्स के, किसी भी चैप्टर्स के, किसी भी टॉपिक्स के नोट्स को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड एज यू नो दैट आपने मेरा शेड्यूल, आई होप आपने मेरा शेड्यूल चेक कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ एंड MWF में मैं क्लास 9th को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, एंड TTS में क्लास 10th को सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। जैसे कि आपको पता है आज थर्सडे है, तो आज क्लास 10th को मैं सोशल साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। और आपको पता है हमारा सोशल साइंस के अंदर ज्योग्राफी चैप्टर चल रहा था, ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा था, उसका चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चल रहा था हमारा, राइट। वैसे तो मैंने आपको 1-1 करके सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं इस चैप्टर के, बट ये वाला जो वीडियो, इसके अंदर मैं आपको रिविजन करवा रही हूँ, ठीक है। तो जो पूरा चैप्टर है हम उसको कोशिश करेंगे कम से कम टाइम के अंदर उसको हम कवर कर सकें, या फिर आप बोल सकते हो ये आपकी 1 शॉट वीडियो है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सॉरी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन पे, जिसके कारण आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके, और साथ के साथ में आपको मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर को। वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। एंड एज यू नो दैट मैं क्लास 10th को ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाली हूँ, जो कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, राइट। एंड साथ के साथ में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट पढ़ाने वाली हूँ, राइट। इसके पहले के भी आपने मेरे वीडियो चेक करे होंगे, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ओके। ये 1 शॉट वीडियो है, इसके अंदर मैं कोशिश करूंगी कम से कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर कवर हो सके, राइट। एंड डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैं इसको कम टाइम में करूंगी तो कोई चीज छोड़ दूंगी, ठीक है। मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स जो भी आपके बुक्स के अंदर दी गई है, हर चीज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एज यू नो दैट सबसे पहले मैं आपको जो चैप्टर का नाम होता है उसका मतलब सबसे पहले मैं क्लियर करती हूँ, राइट। तो जैसे कि डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो बच्चा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है, हम बोल सकते हैं कि हमारा एक लेवल अप जाना, ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं हमारी बहुत सारी चीज़ों के अंदर ग्रोथ होना, ठीक है। तो वो जब बहुत सारी चीज़ों के अंदर जब हमारी ग्रोथ होती है ना, तो उसको हम वन वर्ड में बोलते हैं डेवलपमेंट होना, ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 9th क्लास में थे, 9th क्लास में आप पास होके क्या है 10th क्लास में आए, राइट। तो ये आपका क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। आपने ग्रोथ किया, आपने डेवलप किया, आप एक स्टेप ऊपर आए हो, राइट। सो अब हमारे एक तरह से बोलना चाहिए, डेफिनेशन देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग फॉर एडवांस, ठीक है। किसी भी चीज को बनाने की प्रोसेस, ठीक है, वो भी क्या, एक लेवल अप जाना, या फिर उसको कोई एडवांस लेवल पे बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। Got it, बच्चा? The processes of creating something for advance, okay? Now, अब हमारा दूसरा वर्ड क्या है, आपके चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का तो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, एंड एज यू नो दैट डेवलपमेंट का वैसे डेफिनेशन आपसे पूछा नहीं जाता है, बट अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना बच्चा,
इसलिए मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। अब मेन जो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है वो रिसोर्सेज से होता है, राइट। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेज, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ या हम बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में, तो एक्चुअली मैं अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ रिसोर्सेज क्या होता है, तो कोई भी चीज़, ओके, कोई भी चीज़ भले ही वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ओके, कोई भी थिंग भले ही वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो क्या होना चाहिए, वो ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, वैल्यूएबल होना चाहिए, ओके। अब वो चीज़ वैल्यूएबल है, क्यों वैल्यूएबल है, क्योंकि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, गॉट इट। तो कोई भी चीज़ भले वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो अगर ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, वो वैल्यूएबल है उसके लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज बोलते हैं, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, एज यू नो दैट कि अभी आपको पता ही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसा माहौल चल रहा है, राइट। इसके अकॉर्डिंग आपके इंस्टीट्यूट भी नहीं खुल रहे हैं, स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, है ना। तो इस टाइम पे जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, राइट, तो ऑनलाइन एजुकेशन किसके थ्रू प्रोवाइड की जा रही है, ऑब्वियसली बात है कि नेट है, ठीक है। अब नेट ऐसा तो है नहीं कि अपने आप नेट आ गया, राइट, या तो आपने वाईफाई लगवाया या फिर नेट है तो आपके मोबाइल में, तो आप मोबाइल के थ्रू या फिर आप अपने लैपटॉप के थ्रू क्या कर पा रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस कर पा रहे हो, राइट। तो ये जो आप एक्सेस कर पा रहे हो वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल के कारण कर पा रहे हैं, राइट। तो ये लैपटॉप, ये कंप्यूटर, ये आपका मोबाइल, ये क्या हुआ आपके लिए, रिसोर्स हुआ, ठीक है। बट कौन सा रिसोर्स हुआ, नॉन लिविंग रिसोर्स हुआ, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए वैल्यूएबल है, ठीक है। और साथ के साथ में जो आपकी नीड है, अभी आपकी नीड क्या है कि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। भले ही स्कूल नहीं खुल रहे, आपकी क्लासेस नहीं खुल रही है, इट्स ओके, बट ऑनलाइन के थ्रू आपकी जो नीड है, जो आपका नीड अभी क्या है, पढ़ाई की जो नीड है वो क्या हो रही है, आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है, ओके। अगर हम डेफिनेशन पे आए, सो एवरीथिंग, ओके, एवरीथिंग इन आर एनवायरमेंट, जो भी चीजें हमारे एनवायरमेंट के अंदर, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड, जो क्या कर रही है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, राइट right? सेटिस्फाई करने के साथ साथ, अब वो सेटिस्फाई तो कर रही है, सेटिस्फाई करने, सो रिसोर्सेज में क्या बताया जा रहा है आपका, रिसोर्सेज में बताया जा रहा है एवरीथिंग इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड, ओके। जो भी चीज़ हमारे एनवायरमेंट के अंदर है, भले ही वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, सारी थिंग्स जो क्या करती हैं, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं और साथ के साथ ह्यूमन के लिए वैल्यूएबल होती है, राइट, तो वो क्या कहलाती हैं, आपके रिसोर्सेज कहलाती हैं, गॉट इट। अब इसके अलावा आपके तीन क्राइटेरिया बोले गए हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी थिंग्स को क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। वो आपके नीड सेटिस्फाई कर रही है रिसोर्सेज की, गुड, एज वेल एज वो आपके लिए वैल्यूएबल है, ये भी अच्छी बात है। बट उसके बाद हमें तीन क्राइटेरिया के ऊपर और फोकस करना पड़ता है जिसके बेसिस पे हम किसी भी चीज को क्या बोल सकते हैं, रिसोर्स बोल सकते हैं। देखते हैं वो कौन कौन से हमारे तीन क्राइटेरिया हैं। एक तो सबसे क्या पहले क्या बोला जा रहा है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है, कोई भी चीज है वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है, वो आपके लिए यूजफुल है, ओके, आई एग्री, ठीक है। बट हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिसके कारण हम उसको एक्सेस कर पाए, तो वो रिसोर्स कैसे होगा, ओके, क्योंकि हमें पता है कि वो चीज़ हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रही है, राइट। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, राइट, तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आपके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस है अभी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एज वेल एज आपके लिए ये क्या कर रही है, एक तरह से हमें बोलना चाहिए ये आपके लिए रिसोर्स है, ठीक है। बट अगर आपके पास एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास या तो नेट नहीं है या फिर आपके पास लैपटॉप या बोलना चाहिए आपका मोबाइल या कंप्यूटर्स में से कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो भले ही वो आपके लिए यूजफुल है, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी रिसोर्सेज तब तक रिसोर्सेज नहीं होगा जब तक टेक्नोलॉजिकली हम उसको क्या नहीं कर सके, एक्सेस नहीं कर सके, गॉट इट बच्चा। नाउ सेकंड, अब वो तो ठीक है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपने उसको एक्सेस कर लिया, बट इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, ये भी हमें चेक करना है ना, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है,
आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया, राइट? आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो 1 करोड़, ओके? बट आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ठीक है? आपने 1 करोड़ आपने लगाए तो उसके अंदर, ठीक है, इन्वेस्ट तो 1 करोड़ कर रहा, लेकिन जब वो प्रोडक्ट निकला, ठीक है, या जब आपने उसको बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आपको तो जो 1 करोड़ लगाए थे वो तो नहीं, आपको सिर्फ 50 लाख आपके हाथ में आ रहा है, राइट? तो वो देखा जाए तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, नहीं है, मतलब वो आपके लिए इकोनॉमिकल फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकल फिजिबल भी होना चाहिए. गॉट इट? नाउ एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, और थर्ड क्या बोल रहा जा रहा है, कल्चरली एक्सेप्टेबल. एज यू नो दैट जो इंडिया है हमारी वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, ओके? और आपको तो पता ही है यहाँ कल्चरल को, कल्चर ट्रेडिशन को लेके तो लोगों के अंदर कितनी भावनाएं भरी हुई हैं, है ना? तो अगर आज जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी जगह है, मान के चलिए कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग है, ठीक है, उसके नीचे आपका कोई रिसोर्सेज पता चला है कि उसके नीचे कोई रिसोर्सेज मिलेगा आपका, ठीक है, वहाँ फाउंड हुआ है तो आपको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है उसे. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो रिलीजियस बिल्डिंग है आपकी उसको आपको तोड़ना पड़ेगा. और अगर आप तोड़ोगे तो वहां के लोग अलाउ करेंगे, आपको लगता है? नहीं, राइट? तो इसलिए बोला जा रहा है कि वो कल्चरली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अगर कोई भी जगह रिसोर्सेज है आपका, अगर आप वहां से निकाल रहे हैं तो वहां के जो सोसाइटी वाले हैं या फिर वहां के जो लोग हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या बोलना चाहिए उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो कल्चरली भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए. गॉट इट बच्चा? इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं. अगर आपको रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आपको यही लिखना है, एवरीथिंग इन आर एनवायरमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आर नीड. जो क्यों यूज हो रहा है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज हो रहा है, और साथ के साथ में 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है? वो क्या क्या है, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ये तीनों मिला के क्या बनता है आपका, कोई भी चीज आपके रिसोर्स बनती है. गॉट इट बच्चा? आई होप समझ में आया होगा, राइट? नाउ इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेस, ओके? अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जो आपका डेवलपमेंट एंड रिसोर्स है, ठीक है, तो उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये डायग्राम आपके बुक में भी देखा होगा, एक ट्रायंगल बना होगा एंड वहां भी आपके ऐसे नाम लिखे होंगे, ठीक है, और बीच में आपका क्या है, ह्यूमन है, ओके? तो हमें ये देखना है कि ह्यूमन को हमने बीच में क्यों रखा, ओके? और ये तीन जो चीजें, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट, इन्हें ही हमने बाहर की साइड क्यों रखा, बाहर के एजेस में क्यों रखा, इनको हमने सेंटर में क्यों नहीं रखा, ठीक है? तो इससे हम क्या समझेंगे, समझेंगे इस फिगर से आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में. गॉट इट? जैसे कि आपका ह्यूमन है, ठीक है, अगर ह्यूमन है आपका तो वो क्या कर सकता है, वो ही आपका नेचर से इंटरेक्ट कर सकता है. ऐसा तो है नहीं बच्चा कि टेक्नोलॉजी अपने आप बन जाएगी और वो जाके मतलब जो आपका नेचर उससे जाके इंटरेक्ट कर लेगी, नहीं. टेक्नोलॉजी को भी यूज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, राइट? इसलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको क्या बनाना है, आपको फर्नीचर बनाना है, राइट? आपको फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर चाहिए तो क्या करेगा, ह्यूमन ने पहले टेक्नोलॉजी बनाई होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी बनाई, टेक्नोलॉजी बनाने के बाद उसने उस टेक्नोलॉजी को क्या किया, वो नेचर के अंदर, मतलब कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहां लेके गया, वहां से ट्री एंड ऑल इन सबको काटा. तो जिस उसको काटने के लिए क्या लगी, टेक्नोलॉजी लगी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगे, वो कटा. अब वो जो आपके पेड़ कट गए, वो वुड है, ऐसा तो नहीं है आप वुड को घर में ले जाओगे और उसको एज अ फर्नीचर यूज कर लोगे, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता ना. तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अब ह्यूमन ने क्या किया, टेक्नोलॉजी बनाई, नेचर से वो वुड को काट के भी ले आया. अब लेकिन वो रॉ फॉर्म में था, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें फिनिश फॉर्म में चाहिए, ठीक है, हमें मतलब प्रॉपर, हमें यूजेबल फॉर्म में चाहिए कोई भी प्रोडक्ट. तो उसने उस वुड को इंस्टीट्यूट में या कोई फैक्ट्री में ले जाके उसने क्या किया, उसको उसको बनाया और फर्नीचेबल फर्नीचर या फिर हमें बोलना चाहिए यूजफुल फॉर्म के अंदर वो लेके आया. गॉट इट? और उसी को हमने क्या किया, फिर यूज किया. समझ में आया कैसे ह्यूमन इन तीनों से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है? पहले उसने टेक्नोलॉजी बनाई, फिर उसने नेचर से वुड या जो भी चीजें चाहिए थी वो लेके आया, एंड देन उसको फिर उसने क्या किया, मैन्युफैक्चर करके उसको एक यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया. गॉट इट? नाउ अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूट टू
एक्सिलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, यहाँ क्या बोला जा रहा है, जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटरेक्ट करता है नेचर से, कैसे इंटरेक्ट करता है, थ्रू टेक्नोलॉजी, और साथ के साथ में वो इंस्टीट्यूट को भी बनाता है। क्यों बनाता है? जिसके कारण आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो सके, एक्सिलरेट हो सकते हैं, हो सके। एक्सिलरेट का मीनिंग क्या होता है, आपका इंक्रीज हो सके। ठीक है, वो इंक्रीज कैसे होगी, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट यूजेबल फॉर्म में आएगा तो लोग बाग खरीदेंगे, लोग बाग पर खरीदेंगे, तो जिसके कारण आपकी इकोनॉमिक क्या होगी, डेवलप होगी। गॉट इट? नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एज यू नो दैट हमारे फोर टाइप के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये आपके फोर टाइप के मेन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ऑरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। गॉट इट? अब इनके हम सब कैटेगरी देखते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओरिजिन, सो इन दिस देयर आर टू टाइप। ओके, अगर हम बात करते हैं ओरिजिन की, तो इसके अंदर फिर से दो टाइप है, कौन कौन से, एक बायोटिक, दूसरा है आपका एबायोटिक। ओके, ए बायोटिक मतलब कि जिस भी थिंग क्या हो वो लिविंग हो, कोई भी चीज जो लिविंग हो वो बायोटिक होती हो, कोई भी चीज जो नॉन लिविंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, एबायोटिक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबिलिटी की, तो वो क्या होगा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी का मीनिंग क्या है आपका, कि कौन सी चीज कितनी जल्दी खत्म होगी, हम उसको फिर से यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये दो कैटेगरी है आपकी। ओके, नाउ अब हम ऑनरशिप के बेसिस पे बात करें, तो ऑनरशिप को फिर से फर्दर फोर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड वन इज कम्युनिटी, थर्ड वन इज नेशनल एंड फोर्थ वन इज इंटरनेशनल। ओके, एंड जो हमारा लास्ट है वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको भी अगेन फोर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एंड दैट इज, फर्स्ट इज पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व। ओके, तो ये आपके मेन क्लासिफिकेशन है। अब मैं इनको वन बाय वन करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। गॉट इट बच्चा? ये आप चाहो तो मैप को स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बना सकते हो, जिसके कारण आपके लिए इजी होगा इनको याद करना। ठीक है, हमने चार बेसिस देखे हैं, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, और उसके हमने सब कैटेगरी देखी है, राइट? सो नाउ जो हमारा फर्स्ट था, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन का मीनिंग क्या, ओरिजिन का मतलब है वो चीज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है, कहाँ से वो निकली है। ओके, वो क्या कहलाएगा आपका, ओरिजिन कहलाएगा। तो जब भी हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बात करते हैं, तो आपकी दो टाइप्स के इसके अंदर आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से, बायोटिक रिसोर्सेज एंड ए बायोटिक। सो हम फर्स्ट वन देखते हैं, हमारा बायोटिक रिसोर्सेज। अगर हम बायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या होते हैं आपके, हम इसके अंदर इन्वायरमेंट के लिविंग फैक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, एज अ फार, गॉट इट? तो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बायोटिक रिसोर्सेज, इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके, जब भी हम हमारे बायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं, ऑन दैट टाइम हम किसकी बात करते हैं, लिविंग पार्ट्स की बात करते हैं, किसके, एनवायरनमेंट की। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन फ्लोरा एंड फोना। गॉट इट? नाउ ये आपका बोलना चाहिए, मैंने पिक्चर्स लगाई हैं जिसके कारण आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके, या कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, या आपको एनिमल दिख रहे हैं, या आपको पेड़ एंड ऑल दिख रहे हैं, लाइक दैट। गॉट इट? नाउ एबायोटिक रिसोर्सेज, एबायोटिक बायोटिक का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, जब हम बायोटिक की बात कर रहे थे तो हमने लिविंग फैक्टर्स की बात की थी, और अब हम एबायोटिक की बात कर रहे हैं, तो एबायोटिक का मतलब क्या है, हम नॉन लिविंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो एबायोटिक क्या हो जाएगा आपका, नॉन लिविंग फैक्टर हो जाएगा। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो विंड, वाटर, क्लाइमेट, सॉइल, सनलाइट, एक्सेट्रा। गॉट इट? जिसके अंदर जान नहीं है वो हमारा एबायोटिक रिसोर्स हो जाएगा। अब हमारा जो सेकंड टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अगर हम एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करते हैं, तो एग्जॉस्टिबिलिटी को भी आपके दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ओके, सो फर्स्ट जो है वो है हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, रिन्यू करना किसी भी चीज को। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसे बोलना चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम क्या कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम रिन्यू कर सकते हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, किसके थ्रू,
किसी भी थ्री प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, भले ही वो फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस, ठीक है। तो कोई भी रिसोर्सेज जिसको हम रिन्यू कर रहे हैं या फिर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चा, अगर आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज आएगा तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, और रिप्लेनिश रिसोर्सेज आएगा तब भी आपको यही डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि रिन्यूएबल एंड रिप्लेनिश एक ही रिसोर्सेज का नाम है। गॉट इट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रिन्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को रिन्यू करना। गॉट इट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी एंड फॉरेस्ट। सोलार एनर्जी आपको पता है, अगर आज आपने सन की एनर्जी को यूज कर लिया, इट्स ओके, खत्म भी हो गई तो कोई बात नहीं, हमें पता है वो कल फिर आएगा, ठीक है। सन फिर से अराइज होगा, सन अराइज होगा तो उसकी एनर्जी हमें मिलेगी, हम उसको फिर से यूज कर सकते हैं, राइट। इसलिए हमने इसको क्या करा, रिन्यू कर सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि जो सोलार की एनर्जी वो रिन्यू हो सकती है, वो डेली आती है, ठीक है, डेली सूरज उगता है, डेली सूरज डूबता है, गॉट इट, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही आपकी विंड एनर्जी है, राइट, तो जो विंड एनर्जी आपको पता है डेली विंड चलती है आपकी, ठीक है, कभी कम चलती है कभी ज्यादा चलती है, लेकिन आपको पता है वो रहेगी, आप उसको यूज कर सकते हो, गॉट इट। वैसे ही आपका फॉरेस्ट, आपको पता है अगर आज, हाँ बट फॉरेस्ट के मामले में हमें थोड़ा सा बोलना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा ही फॉरेस्ट काट देंगे तो ऑब्वियसली बात है उन्हें उगने में टाइम लगेगा, गॉट इट। ऐसे नहीं कि वो विंड की तरह या सोलार की तरह आसन गया तो कोई बात नहीं कल फिर से आ जाएगा, फॉरेस्ट अपने आप आ जाएंगे, ट्रीज अपने आप उग जाती हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको हर कैसे यूज कर लें, गॉट इट। नाउ इसकी जो सेकेंड टाइप है वो है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। तो जब भी हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, गॉट इट बच्चा, या फिर हम बोल सकते हैं इन, वो अगर रिन्यू होते भी हैं तो उनको इतना ज्यादा टाइम लगता है, इट विल टेक लॉट्स ऑफ ईयर, ठीक है, वो इतना ज्यादा टाइम लेते हैं, इतने ज्यादा साल लगते हैं कि उनका रिन्यू होना ना होना एक ही बराबर है, गॉट इट। इसलिए हम इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है, अगर ये अकर होते भी, ये रिन्यू होते भी, तो उन्हें बहुत ज्यादा लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगता है, गॉट इट, सॉरी। सेकेंड, मिनरल, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज, ओके बच्चा, तो जो मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या, वो इसके एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि जैसे कि हमने सन का देखा था, ठीक है, आज आपने सन एनर्जी को आपने अच्छे से यूज कर लिया, ठीक है, अब वो खत्म भी हो गई, कोई बात नहीं, वो कल फिर से आ जाएगा सन, आप फिर से उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। बट मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल के केसेस में ऐसा नहीं होता। आपके पास फोर व्हीलर है, आप घूमने गए, ठीक है, आपने उसके अंदर फ्यूल डलवाया, डीजल या पेट्रोल जैसी भी आपकी गाड़ी है, आपने उसके अंदर डीजल डलवाया, डीजल डलवाने के बाद आप उसको लेके गए, अब जो डीजल था वो उड़ गया, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है आप कहीं घूमने गए तो डीजल तो जाएगा ही ना, तो डीजल धुएं के फॉर्म में उड़ गया। अब ये बताओ, आप उस धुएं से आप फिर से उसको बना सकते हो क्या डीजल? नहीं बना सकते, राइट। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं, गॉट इट। दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो इस टाइप के जो रिसोर्स होते हैं ना, इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, किसके अंदर, उनके फॉर्मेशन के अंदर। सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइकेबल एंड सम ऑफ रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूजर्स, ठीक है। अब जो आपका नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल को भी हमने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक उसको हमने रिसाइकेबल एंड दूसरा हमने नॉन रिसाइकेबल के अंदर डिवाइड किया गया, ठीक है। रिसाइकल का मतलब ये होता है, आपको पता है हमारे पास कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेपर है, तो पेपर जब यूज होने के बाद भी आप क्या कर सकते हो, उनको फिर से बना सकते हो, पेपर बना सकते हो, वो फिर से पेपर के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, ओके। इसके अलावा हम बोल सकते हैं हमारे बहुत सारे मेटल्स होते हैं, हमारे आयरन्स होते हैं, और हम बोल सकते हैं हमारे वुड ऐसी होती है कि जो एक बार आपका फर्नीचर बन गया, लेकिन अगर आप चाहो तो उसका फिर से रीयूज हो सकता है, उसको फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक हमारी ऐसी होती है जिसको हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, राइट। बट फॉसिल फ्यूल के अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जाम्पल दिया था, अगर आप कहीं घूमने गए उस टाइम पे आपने वो पेट्रोल गया, धुआं बन के उड़ गया तो उड़ गया, आप धुएं से पेट्रोल नहीं बना सकते फिर से, गॉट इट। नाउ
इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। अब ये हम किसके बेसिस पे देखेंगे, ऑनरशिप। ऑनरशिप से मतलब आप क्या समझते हो, किसका अधिकार है उन चीजों पे, लाइक दैट, ठीक है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, सो एज यू नो दैट इसको हमने फोर कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, राइट। जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेस। आपको वर्ड से समझ में आ रहा है, इंडिविजुअल मतलब कि किसी एक का अधिकार होना, ठीक है। सो इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ठीक है। इसके अंदर बोला भी गया है कि ये वो रिसोर्सेज होते हैं जिसके ऊपर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का क्या होता है, अधिकार होता है। गॉट इट बच्चा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, आपका घर जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है, वो किसके, या तो आपकी मम्मी पापा दादा दादी किसी एक के नाम पे होगा, राइट। आप किसी लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो हो सकता है वो लैपटॉप आपका खुद का होगा, या मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो वो लैपटॉप किसका है, आपका खुद, वो मोबाइल किसका, आपका खुद का है। गॉट इट। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पीपीटी बना रही हूँ, लैपटॉप पे बना रही हूँ, तो ये मेरा खुद का लैपटॉप है, राइट। इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, लाइक दैट, ठीक है। नाउ इस रिसोर्सेस को, इंडिविजुअल रिसोर्सेस को हम प्राइवेट रिसोर्सेस भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्राइवेटली, प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब किसी एक का ही होता है, राइट, इसलिए हम इसको प्राइवेट रिसोर्सेस भी बोलते हैं, ओके। अब ये जो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, हम उसको बोल सकते हैं कि इसकी जो एग्जाम्पल है ना, उसको फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है। एक अर्बन और एक रूरल एरिया के अंदर, ठीक है। अर्बन मतलब कि आपकी सिटी, रूरल मतलब कि विलेजेस, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल ऑफ अर्बन इंडिविजुअल की बात करें तो क्या होगा, प्लॉट हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे कि आप ये घर देख रहे हो, ठीक है, तो ये घर क्या है, एक तरह से किसी इंडिविजुअल का रिसोर्सेस है। नाउ जो सेकेंड है आपका एग्जाम्पल ऑफ रूरल इंडिविजुअल रिसोर्सेज की हम बात करें तो ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, लैंड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो आपको ये दिख रहा है कि ये भाई साहब क्या चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज समझ में आ गया, किसी एक का होना वो हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाता है। अगर हम अर्बन का एग्जाम्पल लें तो आपका प्लॉट हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रूरल रूरल इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सो एग्जाम्पल आर ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, लैंड एंड एक्सेट्रा। गॉट इट बच्चा। नाउ अब जो हमारा है वो है कम्युनिटी रिसोर्सेज, ओके। अब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, किसी एक कम्युनिटी का अधिकार होना, ठीक है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। कम्युनिटी मतलब क्या हुआ, आपका ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। तो किसी एक का यहाँ अधिकार नहीं होगा, जैसे कि इंडिविजुअल में हमने देखा था किसी एक का, ठीक है। बट कम्युनिटी का मतलब होता है बहुत सारे जनों का होना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप किसी सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो तो जो आपका घर है वो क्या है, वो आपका खुद का है, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। बट उस सोसाइटी का जो आपका बोलना चाहिए एक तरह से पार्क है, ठीक है, तो वो जो पार्क है वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उस जो पार्क है उसको पूरी कम्युनिटी यूज कर सकती है, कम्युनिटी का, या हम बोल सकते हैं उस सोसाइटी का हर एक मेंबर उसको एक्सेस कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। गॉट इट। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो कम्युनिटी रिसोर्सेज आर विच आर एक्सेसिबल ऑफ ऑल मेंबर, ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ क्या बात कर रहे हैं, वो एक्सेसिबल कर सकता है कौन, ऑल मेंबर, किसके, किसी भी कम्युनिटी एंड सोसाइटी के जितने भी मेंबर है सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। गॉट इट। नाउ अगर हम इसके अर्बन, इसको भी फर्दर अर्बन एंड रूरल में डिवाइड कर दिया गया है, इसका अगर हम एग्जाम्पल है अर्बन कम्युनिटी रिसोर्सेज का, तो पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड एंड ऐसा का, जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या एक तरह से आपका पब्लिक पार्क है, यहाँ जाके कोई भी बैठ सकता है, खेल सकता है, लाइक दैट। गॉट इट। अगर हम बात करते हैं रूरल कम्युनिटी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल की, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, ग्रेजिंग ग्राउंड, विलेजेस फाउंड एंड ऐसा का, ठीक है। जैसे कि आपको पता है जो छोटा सा तालाब होता है तो उसमें से लोग बाग उसका यूज कर सकते हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड होता है मतलब कि कोई एक एरिया होता है जहां जाके जो आपके पेट एनिमल रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल गॉट या फिर बफेलो, काउ, वो सब जाके क्या कर सकती है, वहां जाके ग्रेस कर सकती है, मतलब वहां जाके उनका जो ग्रास एंड ऑल रहता है ना उसको खा सकती है, ठीक है। नाउ अब इसमें जो आपकी थर्ड कैटेगरी है वो है नेशनल रिसोर्सेज बच्चा, ओके। अगर हम नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो टेक्निकली ऑल दी रिसोर्सेज बिलोंग टू दी नेशन, ठीक है। अगर हम टेक्निकली बात करें, या फिर आप भी अगर थोड़ा सा स्मार्टली सोचें, तो आप देखोगे कि जो भले इंडिविजुअल हो या कम्युनिटी रिसोर्सेज हो, वो किसके अंदर आते हैं, वो ले दे के आते तो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर है, ठीक है। वो किस रिसोर्सेज से बिलोंग करते हैं, वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर बिलोंग करते हैं। आप सोच रहे होगे मैम आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, तो आपने बच्चा कई बार सुना होगा
कि जो आपके बोलना चाहिए, कभी कभी क्या होता है जो है ना, आपने देखा होगा कि कोई भी जगह है, ठीक है, या फिर कोई भी एरिया है, या किसी का घर भी है, या किसी की खेती वाला एरिया है, ठीक है, तो अगर वो जगह गवर्नमेंट को चाहिए हो तो वो ले सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कितनी बार मेट्रो सिटीज, मेट्रो स्टेशन बनते हैं, रेलवे स्टेशन बनते हैं, आपकी रोड बनती है, जिसके कारण कुछ लोगों की जो जगहें रहती हैं वो क्या कर ली जाती हैं, वो गवर्नमेंट ले लेती है, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि गवर्नमेंट उसको उसके बिहाफ पे कुछ और दे देती है, बट गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, वो ले सकती है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो आपके क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आते हैं, गॉट इट। नाउ द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कंट्री है या नेशन है हमारा, उसके पास लीगल पावर होता है कि वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, बट किसके लिए, उससे मतलब लोगों का भला होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रोड बनेगी तो लोगों का भला होगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, या फिर आपका रेलवे लाइन जाएगी तो भी अच्छा होगा, मेट्रो लाइन जाएगी तो भी अच्छा होगा, तो इन सारी चीजों के लिए जिसके कारण पब्लिक की हेल्प हो रही है, पब्लिक के लिए अच्छा है, तो क्या कर सकती है हमारी जो कंट्री है, हमारा जो नेशन है, वो क्या कर सकती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकती है, गॉट इट। यू माइट हैव बीन सीन रोड कैनाल रेलवे बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने देखा होगा कि कितनी जगह रोड कैनाल रेलवे ये सब जब बनाए जाते हैं तो वो किसी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी पे भी बनाए जाते हैं, ठीक है। नाउ अब ये जो है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, ठीक है। तो ये जो हम बोल सकते हैं अथॉरिटी या ये पावर जो है वो किसके हाथ में, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ये पावर है, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, या फिर किसी की भी लैंड को, गॉट इट। नाउ ऑल दी मिनरल्स वाटर रिसोर्सेज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन दी पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जो भी भले वो मिनरल्स हो, वाटर रिसोर्स हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ हो, कोई भी लैंड एरिया हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी चीज अगर आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आती है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, आपको पता है ना मैं जो बाउंड्री होती है, जो नक्शा है लाइक दैट, उसके अंदर आती है, तो वो क्या कहलाएगी, वो नेचुरल रिसोर्सेज ही कहलाएगी आपका बच्चा, ओके। एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्टल टर्म एज टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि जितने भी आपके मिनरल्स एंड ऑल हैं, मिनरल्स रिसोर्सेस, आपके फॉरेस्ट एंड ऑल, ये सब आपकी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। बट आपको पता है कि हमारा जो इंडिया है वो तीन साइड से किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में ये बोला जाता है, ये जो पानी से, आपको पता है ये हमारा, ये जो सारा एरिया आपको दिख रहा होगा, ये मैं कर्सर चला रही हूँ लाइक दैट, ये जो पूरा एरिया है आपका वो किससे घिरा हुआ है, आपका वाटर से घिरा हुआ है, ठीक है। सब जगह हमारे ओशियन है, आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा हमारा, ठीक है, साइज एंड क्या बोलते हैं, इंडिया लोकेशन एंड साइज के अंदर आपने आपके प्रीवियस क्लास में, 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको बताया गया था बे ऑफ बंगाल होता है आपका, ठीक है, इसके अलावा आपका क्या बोलना चाहिए, बे ऑफ बंगाल होता है आपका, एंड इंडियन ओशियन हुए हैं आपका लाइक दैट, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है आपका, ये जो यहाँ के टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है, इसमें आप 12 नॉटिकल माइल, कब कहाँ तक, अप टू 12 नॉटिकल माइल, या फिर 22.2 किलोमीटर तक जो होता है वो भी किसके अंडर में आता है, आपके नेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है, ठीक है। अगर हम ओशियन एरिया की बात कर रहे हैं तो ओशियन एरिया का कितना एरिया बच्चा, जैसे कि ये हमारी लैंड बाउंड्री हमारी ये खत्म हो गई, ठीक है। अब इसके बाद का ये जो एरिया है जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है, ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल्स, या फिर हम बोल सकते हैं 22.2 किलोमीटर तक जो आपका होता है वो भी आपका नेशनल रिसोर्सेस के अंदर आता है, गॉट इट। देयर फॉर रिसोर्सेज देयर बीन बिलोंग टू दी नेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसलिए वो रिसोर्सेज भी क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है, गॉट इट। और इसके अलावा आप देख सकते हो ये आपका ट्रेन जा रही है, तो यहाँ ये जो आपकी ट्रैक बना हुआ है, ये आपको पास में रोड दिख रहा है, ये सब क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, ओके। नाउ
इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये जो आपकी फोर्थ कैटेगरी है इसकी, इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। अब जब भी हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब कि हमारे नेशनल के बाहर की चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ें हमारे नेशन के बाहर की हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो क्या करती हैं, कुछ बोलना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं उन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि अब वो रिसोर्सेज हैं तो अगर वो बाहर की साइड हैं तो ऑब्वियसली बात है वो दो तीन कंट्री के बीच में, ठीक है, तो वो कौन इस यूज कर सकता है, कब यूज कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आप दो तीन भाई बहन हो, ठीक है, आप मान के चलो थ्री भाई, थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर हो, ठीक है। तो पहले तो आपको दो दो चॉकलेट सबको मिल गए, ठीक है, आपके यहाँ एक चॉकलेट आई थी, दो दो चॉकलेट सबको मिल गए, तो दो दो आप सबकी होगी। अब बाकी की जो दो बची, अब वो कौन डिसाइड करेगा, वो मम्मी पापा डिसाइड करेंगे ना कि वो चॉकलेट किसको दी जाएगी, कब दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, लाइक दैट, ठीक है। तो वैसे ही कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं कुछ रिसोर्सेस को, ठीक है। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओशियन, ओपन ओशन, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं 200 नॉटिकल माइल्स के ऊपर, ठीक है, जो आपका 200 के बाद का जो एरिया है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद का जो एरिया है, ठीक है, जो कि किसको बिलोंग करता है, ओपन सी को बिलोंग करता है, अब जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोल रहे हैं, वो जो एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है, ठीक है। नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस रिसोर्स विदाउट द परमिशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, और कोई भी इंडिविजुअल कंट्री विदाउट परमिशन उसको यूज नहीं कर सकती, ठीक है। अगर कोई भी कंट्री उसको यूज करना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले उसको परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की, एंड देन उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसको यूज कर सकता है, गॉट इट। सो जैसे कि आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको बताया ही था, ये आपका क्या बोलना चाहिए, 12 नॉटिकल माइल होता है तो कौन सा एरिया होता है, ये आपका इकोनॉमिक जोन एरिया होता है और ये आपका हाई सी एरिया कहलाता है, गॉट इट। तो ये हमने देखा था, ये 12 नॉटिकल माइल्स तक रहता है तो वो नेशनल रिसोर्सेज में आता है। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स के बाद की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, इकोनॉमिक क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो जाता है। उसके बाद का जो बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया होता है, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आता है। उसके अंदर कोई भी रिसोर्सेज है तो कोई भी इंडिविजुअल कंट्रीज को यूज नहीं कर सकती है विदाउट परमिशन, ठीक है। आफ्टर गेटिंग परमिशन यू कैन यूज इट, ओके, बट विदाउट परमिशन नो वन कैन यूज इट, ओके। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ठीक है। तो एज यू नो दैट इंडिया हैज गॉट राइट टू माइन मैग्नेशियस नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम द एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। जो भी एरिया इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर का जो एरिया है इंडियन ओशियन का, जिसके अंदर आपका मैग्नीशिया नोड्यूस मतलब मिनरल मिलता है, आपका माइन है वहाँ, तो वहाँ से इंडिया को ये राइट है कि वो क्या कर सकती है, उसको एक्सट्रैक्ट कर सकती है, उसका यूज कर सकती है, गॉट इट। ये आपके डू यू नो के अंदर दिया गया है, इम्पॉर्टेंट है, आपको भी याद रखना चाहिए, हो सकता है आपसे वन वर्ड में पूछ लिया जाए। आजकल वैसे भी आपको वन वर्ड एंड एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, राइट। नाउ अब जो आपका लास्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो इसका जो आपका फर्स्ट है वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, किसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, ठीक है, मतलब किसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ भी हम उन रिसोर्सेज की बात करेंगे, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बी यूटिलाइज, ओके। मतलब हमें ये पता है कि उस कुछ एरिया के अंदर वो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है, बट हम उनका यूज तो कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम उनका बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं, बट जो प्रॉपर यूज होना चाहिए ना वो उनका नहीं हो रहा है। मतलब जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है ना कि उनका हम मतलब है ना
अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हो जिसके कारण हम उसका अच्छे से यूज करें ना, तो हमारे पूरे इंडिया की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ठीक है, स्पेशली आपकी इलेक्ट्रिसिटी की एंड ऑल जो भी ये प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स रहे ना, ठीक है। बट हमारे पास अभी तक इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम उसको प्रॉपरली यूज कर पाए, ठीक है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है? रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, ठीक है, वो किसी भी रीजन के अंदर है तो बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, बट उसको हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, गॉट इट। रीजन के अंदर है बट हम उसको क्या नहीं कर पा रहे, किसी एरिया के अंदर, किसी स्टेट के अंदर वो चीज है बट हम उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान एंड गुजरात में अगर आप देखोगे तो वहाँ विंड एनर्जी बहुत सारी है, एज वेल एज सोलर एनर्जी बहुत सारी है, ठीक है। हम सोलर और विंड एनर्जी का यूज करते हैं बट हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जितनी वहाँ सोलर एनर्जी है या जितनी विंड एनर्जी वहाँ है अगर हम उसको प्रॉपर यूज कर पाए, उतनी अच्छी हमारे पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, गॉट इट। बट सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, जैसे कि मैंने आपको बताया वो अभी तक क्या है, डेवलप है, टेक्नोलॉजी भी है बट प्रॉपरली डेवलप नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी विंड एनर्जी एंड ऑल। अब ये जो आपका सेकेंड है वो क्या है, डेवलप रिसोर्स, ठीक है। डेवलप आपको वर्ड से समझ में आ रहा है जो ऑलरेडी डेवलप है, ठीक है। तो डेवलप रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। वो रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, हमें पता है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी सबके बारे में हमें पता है और हम उसका प्रॉपरली यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी, ठीक है। और जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस एरिया के अंदर, ऐसा नहीं है वर्ल्ड के अंदर टेक्नोलॉजी है, सब जगह टेक्नोलॉजी है, हमारे इंडिया के अंदर भी टेक्नोलॉजी है, बट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी है या वहां का बोलना चाहिए आपका, ओके बच्चा। तो वो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की वो डिपेंड करता है कि उस एरिया के अंदर प्रॉपर टेक्नोलॉजी या वो लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है। गॉट इट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दी फर्नीचर एंड ऑल, आपको पता है जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस रिसोर्सेज, एज वेल एज हम बोल सकते हैं ये आपको वुड दिख रहा है, ठीक है। आजकल आपको पता है कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्नीचर चल रहे हैं, कितने एडवांस टाइप के फर्नीचर एंड ऑल चल रहे हैं, बट वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ टेक्नोलॉजी है या नहीं, ठीक है। या फिर ऑब्वियसली बात है जो एक मेट्रो सिटीज के अंदर फर्नीचर के लिए टेक्नोलॉजी मिलेगी वो किसी रूरल एरिया के अंदर नहीं मिलेगी, राइट। उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी रूरल एरिया के अंदर नहीं मिलेगी, तो दैट इज अ डिफरेंस, ठीक है। बट वो डेवलप रिसोर्स है, और इन सिंपल लैंग्वेज आपको बस इतना याद रखना है कि रिसोर्सेज विच आर सर्वे एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैज बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, ठीक है। वो रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो चुका है, जिनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी हमें पता है और हम उनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे वुड, फिर ग्रेनाइट एंड मार्बल्स। नाउ जो आपका थर्ड वन है वो है आपका स्टॉक, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टॉक रिसोर्सेज क्या होता है। स्टॉक का मीनिंग ये होता है कि वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर अवेलेबल है रिसोर्स, ठीक है, बट हमारे पास उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। हमने क्या देखा, फर्स्ट वाला जो था पोटेंशियल के अंदर, उसके अंदर हमारे पास टेक्नोलॉजी थी लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। डेवलप के अंदर हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक वो रिसोर्सेज होते हैं कि जो अवेलेबल तो है बच्चा हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे, ठीक है, बट उसके बाद भी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू हम उसका क्या कर सके, यूज कर सके, ठीक है। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करती हूँ तो मटेरियल इन द एनवायरमेंट, मटेरियल या फिर आप बोल सकते हो रिसोर्सेज इन द एनवायरमेंट विच हैन बी पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ठीक है। उनके अंदर पोटेंशियल है, उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट ह्यूमन ह्यूमन बींग जो है उसके पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है उसको एक्सेस करने की। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द वाटर, एज यू नो दैट वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखोगे हाइड्रोजन एंड क्या ऑक्सीजन से मिलके बना, ठीक है, ये आपकी गैसेस हैं, ठीक है, और इनके अंदर सोर्स बहुत सारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। एज यू नो दैट आपका जो हाइड्रोजन एंड ये है इनको आप एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हो, है ना, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि जिसके कारण हम इनको क्या कर सके, इनको हम यूज कर सके, ठीक है। हम पानी को कैसे एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं वो टेक्नोलॉजी अभी तक हमारे यहाँ नहीं आई है, ठीक है। बट आपको पता है वाटर हमारे अर्थ पे बहुत सारा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि ह्यूमन बींग को अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं मिली है, बट वाटर है तो वो हमारा क्या हो जाता है, स्टॉक रिसोर्सेज होता है, ओके, गॉट इट। अब जो आपका फोर्थ एंड लास्ट वन है वो है आपका
रिजर्व रिसोर्सेस, ठीक है। रिजर्व रिसोर्सेस की अगर हम बात करें तो रिजर्व रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं कि जो हमें पता होता है कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन उसके बाद भी हम उसको रिजर्व करके रखते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। और फिर बच्चा हम क्या करके रखते हैं, उनको रिजर्व करके रखते हैं, उन्हें संभाल के रखते हैं, जिसके कारण हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो भी उसका क्या कर सके, यूज कर सके। गॉट इट? समझ में आया आपको बच्चा कि कितने टाइप के हमने देखे थे? फोर टाइप के माइंड हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं और उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखे हैं, ठीक है। जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आई नो लास्ट वाले में होता है, दैट इज योर स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसलिए उसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया हुआ है, जिसके कारण आपको और इजी हो जाएगा समझने में। और साथ के साथ में मैं एक बार रिपीट और कर देती हूँ, पोटेंशियल हमारे वो रिसोर्सेज होते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है बट प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। फिर हमारा जो सेकंड वाला होता है वो कौन सा होता है आपका, क्या बोलना चाहिए, पोटेंशियल, फिर इसका डेवलप, ठीक है। डेवलप में क्या होता है, हमें पता है आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, हमें ये भी पता है उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, सब कुछ हमें पता है और हम उसका यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है कि वो आपके एनवायरमेंट के अंदर रिसोर्सेज है बट हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण हम उस रिसोर्स को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। आपको समझ में आया मैंने वो तीन क्राइटेरिया क्यों बोले थे, कि हमारा जो कोई भी चीज रिसोर्सेस कब कहलाती है, जब टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी हो सके, ठीक है। तो हमारे पास इसको एक्सेस करने की टेक्नोलॉजी नहीं है, भले ही वो है लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। और रिजर्व का मतलब क्या, आपका सर्वे हो चुका है, प्रेजेंट में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज करने की, हमें सर्वे हो चुका है, मतलब उसकी क्वालिटी क्वांटिटी ईच एंड एवरीथिंग वी नो अबाउट इट, ठीक है। बट आफ्टर दैट ऑल्सो वी कैन रिजर्व इट, ठीक है। हम उसको क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। क्यों रिजर्व कर रहे हैं हम उसको, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। गॉट इट बच्चा? नाउ अगर हम एग्जांपल की बात करें, वाटर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, आपको पता होगा बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे हैं या बहुत सारे डैम ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ने उसको क्या करके रखा है, रिजर्व करके रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी, क्या बोलना चाहिए, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट की, तो मैंने इसके लिए आपका एक चार्ट बना के रखा है। तो नेम नेम ऑफ द रिसोर्सेज दिए आपके दिए गए हैं, फिर हम देखेंगे कौन कौन एबिलिटी है, किस में टेक्नोलॉजी है, कैसे उसके यूजेस हैं और क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो पोटेंशियल है, ऑब्वियसली बात है। एबिलिटी, एबिलिटी में तो सब में ही ऐसा आएगा, एक चीज याद रखो, ठीक है। चारों के चारों रिसोर्सेज आपके नेचर के अंदर है, ठीक है, तभी तो हम उसको रिसोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ठीक है, बट उसका प्रॉपर यूज नहीं है अभी तक, ठीक है। एग्जाम्पल हम बात करें विंड, सोलार एनर्जी, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। पोटेंशियल में एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी है बट उसका प्रॉपर यूज नहीं है, गॉट इट। डेवलप की बात करें, एबिलिटी भी है, टेक्नोलॉजी भी है और उसका हम प्रॉपर यूज भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल हमारा कोल एंड पेट्रोल, ठीक है। नाउ स्टॉक की बात करें, एबिलिटी है, पानी हमारे यहाँ है, टेक्नोलॉजी अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं आई भाई, टेक्नोलॉजी नहीं आई तो हम उसका यूज भी कैसे करेंगे, तो यूज भी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल वाटर, वाटर के अंदर जो आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है। फोर्थ वन इज रिजर्व, एबिलिटी है हाँ है, टेक्नोलॉजी है हाँ बिल्कुल है, बट यूज कैसा है उसका, लिमिटेड यूज है। क्यों? क्योंकि हमने फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको संभाल के रखा है, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड फॉरेस्ट। गॉट इट? आई होप बच्चा ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। नाउ अब हमारे आगे वाले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सो रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बट देयर ओवर यूटिलाइजेशन हैज लीड टू मेनी प्रॉब्लम लाइक्स, ठीक है। अब हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ है, ये जो ह्यूमन बीन है ना, उसने क्या समझ के रखा है, जो रिसोर्सेज है वो क्या है, वो फ्री गिफ्ट है नेचर के, ठीक है। अब वो समझ तो रहा है फ्री गिफ्ट है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ह्यूमन बीइंग के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, वो क्या है कि अगर उसको लगता है ना कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसका मिसयूज करती है, ठीक है। तो वो ह्यूमन बीइंग कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, रिसोर्सेज को वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर समझ रहा है, इसलिए वो उसका यूज क्या कर रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहा है, मिसयूज कर रहा है एक तरह से, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेट्स सी कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है आपका, जो इनडिस्क्रिमिनेशन रिसोर्सेज का यूज हो रहा है उसके कारण रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन, जो इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है,
जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है. गॉट इट? सेकंड, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऑब्वियसली बात है आपका क्या हो रहा है, एक्सप्लोइटेशन. आप एक्सप्लोइटेशन कर रहे हो किसी भी चीज का, मिस यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर डिप्लीशन तो हो गई ना, तो डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फ्यू हैंड, क्योंकि ये चीजें कुछ कुछ हाथों के अंदर ही है जिनको यूज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपको तो पता ही है जो अमीर होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, गरीब लोग कहाँ यूज कर पाते हैं. लाइक दैट, इसको याद करने का तरीका बताऊं, आइडिया. ठीक है, कैसे? i4, अरे वेयर इज दी, i4, इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन का क्या लिखोगे? आई आई मतलब इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन, DE. ठीक है, DE डिप्लीशन. ठीक है, डिप्लीशन का हमने DE ले लिया और एक्यूमुलेशन का A ले लिया, तो आइडिया. ठीक है, किस चीज का आइडिया? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का आइडिया. ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेनी प्रॉब्लम्स है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उसको हम यहाँ देख रहे हैं. ठीक है, तो इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन, आई डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, डी एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फ्यू है. गॉट इट? कुछ लोगों के हाथ में ही वो पावर है, उनके हाथ में ही वो रिसोर्सेज का वो यूज कर पा रहे हैं, जिसके कारण इनडिस्क्रिमिनेटेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उसी के कारण आपका डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे ये सब हो रहा है तो उसको हम कैसे, ये जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं. ठीक है, अब प्रॉब्लम्स हैं तो हमें उसको सॉल्यूशन भी तो देखना पड़ेगा ना, तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट. गॉट इट? इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से देखना. ठीक है, नाउ अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. हमें इस तरीके से डेवलपमेंट करना है, या फिर हम बोल सकते हैं उस तरीके से हमें रिसोर्सेज का यूज करना है, जिसके कारण जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्या ना हो, डैमेज ना हो. ठीक है, डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, पहली चीज. और दूसरी चीज ये भी बोली जा रही है, हमें इस हिसाब से रिसोर्सेज का यूज करना है या फिर उसको डेवलप करना है जिसके कारण आपकी भी नीड्स फुलफिल हो जाए. ठीक है, उसके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, बट साथ के साथ में आपकी जो आने वाली जनरेशन है उसको भी उस चीज का यूज करने को मिले. ठीक है, ऐसा ना हो कि वो यूज ना कर पा रहा है. गॉट इट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट, डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग, किसका किसको डैमेज किया बिना, एनवायरमेंट को. ओके, साथ के साथ में सेकेंड पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, कि हम हमारी नीड को तो फुलफिल कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हम आज उसको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण ये ना हो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े. ठीक है, और ये सारी चीजें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू. एज यू नो दैट प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू कुछ भी हो सकता है, राइट? और सस्टेनेबल का मतलब होता है सस्टेन करना, किसी भी चीज को इस हिसाब से यूज करना जिसके कारण अगर वो चीज आपकी मान के चलो 2 दिन चल रही है तो आप उसको 5 दिन चला सको. ठीक है, तो उसका टाइम को एक्सटेंड करना. ठीक है, उसको यूटिलिटी जो है उसका उसका जो यूटिलिटी को क्या करना, एक्सटेंड करना. राइट? गॉट इट? सो जहां भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी ना, तो हमारा क्या आ जाता है, रियो अर्थ समिट आ जाता है. ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट भी आपका ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो अर्थ समिट, एजेंडा 21, इसमें से एक ना एक पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आपको आ ही जाता है. गॉट इट? सो जब भी हमारी रियो अर्थ समिट की बात होती है, तो एज यू नो दैट वो ब्राजील के अंदर, रियो दी जेनेरियो के अंदर हेल्ड किया गया था. ठीक है, वहां ये प्रोग्राम या ये समिट थी जो रखी गई थी. ठीक है, नाउ इसका जो सेकेंड पॉइंट है वो क्या था, अब वो जो ये समिट रखी गई थी तो वो क्यों रखी गई थी, वो इसलिए रखी गई थी कि उसके अंदर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या कर सके, डिस्कस कर सके. ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, हमने देखा था ना कि प्रॉब्लम्स हो रही है. ठीक है, आइडिया हमने देखा था ना, आइडिया में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वो जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है उससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनवायरमेंट को, और साथ के साथ में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, इन सब के ऊपर डिस्कस किया गया था एट दी ग्लोबल लेवल. ग्लोबल लेवल मतलब कि सिर्फ इंडिया के लोग नहीं थे, बहुत सारी कंट्री वहां आई थी, 100+ कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन किया था इस समिट के अंदर. गॉट इट?
और ये कब हुआ था? 1992 के अंदर. गॉट इट? नाउ दिस कन्वेंशन अडॉप्ट एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी. ठीक है, और इसके अंदर क्या किया गया था? एजेंडा 21. एजेंडा 21 इज नथिंग, उसके अंदर सिर्फ 21 रूल्स है जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 21st सेंचुरी के. ठीक है, 21st सेंचुरी तक आप क्या कर सकते हो, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको क्या कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो. ठीक है, गॉट इट? नाउ अब हम एजेंडा 21 भी देख लेते हैं. जैसे मैंने बताया था, एजेंडा 21 कुछ भी नहीं है बच्चा. ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपके 21 रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं कि जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप क्या बोल सकते हो, रिसोर्सेज को और ज्यादा टाइम के लिए सस्टेन कर सकते हो. ठीक है, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आ सकते हो, लाइक दैट. ठीक है, तो ये क्या था? इट इज अ डिक्लेरेशन साइन बाय द वर्ल्ड लीडर इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट द रियो डी जेनेरियो ब्राजील. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ये एक तरह का आपका समिट था जिसके अंदर वर्ल्ड के जो लीडर्स थे उन लोगों ने साइन किया था, एज वेल एज आपको UNCET का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. ठीक है, जो कहाँ किया गया था? आपका ब्राजील के अंदर. गॉट इट? उनका एम क्या था इस समिट का? इसका एम था अचीव करना ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. ओके, नाउ इसके अंदर क्या एजेंडा था? इसका जो एजेंडा था वो ये था कि जो एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, जो पॉवर्टी है, डिसीजेज है, ये जो सारी चीजें, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको क्या कर सके, हम सॉल्व आउट कर सके, ये हमारा मेन एम था इस एजेंडे का. ठीक है, और वो कैसे करा गया था? कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल नीड, कॉमन इंटरेस्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू. ठीक है, जिसका जो सबसे बड़ा मेन एक ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है, वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, लोकल एजेंडा 21. ठीक है, क्या बोला जा रहा है? इसका जो सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव था ना, वो क्या था कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना, उसके पास पावर थी. उसके पास क्या पावर थी? कि वो खुद का एक एजेंडा 21 तैयार कर सकती है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब सब जगह एक जैसी प्रॉब्लम है वो जरूरी नहीं है ना, हर स्टेट अलग है, हर जगह अलग है, तो प्रॉब्लम्स भी अलग अलग होंगी. प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे, इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी गई? गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, कि लोकल गवर्नमेंट है तो ऑब्वियसली बात है वो ज्यादा अच्छे से जान पाएगी कि वहां क्या प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम को क्या कर सके, उनका वो खुद का लोकल एजेंडा 21 तैयार करें एंड उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करें, उसके ऊपर बोलना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव कर सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. गॉट इट बच्चा? नाउ रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग की. हमने देखा था कि अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, मतलब हम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी. राइट, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको आपके एग्जाम के अंदर मार्क्स अच्छे लाने, तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजी या प्लानिंग करनी पड़ेगी ना, तभी तो मार्क्स अच्छे आएंगे. वैसे रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेन द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? रिसोर्सेज जो है वो वाइटल है. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज जो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, उसको मेंटेन करने के लिए. ठीक है, वाइटल सर्वाइवल के लिए क्यों बोला गया है? क्योंकि पानी, हवा, ये सारी चीजें नहीं होगी तो ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएगा. राइट, साथ के साथ में क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर रहा है? जो उसने आजकल हाई स्टैंडर्ड बना के रखा है आज की ह्यूमन बींग्स ने, कि इतने बड़े बड़े बंगलों होने चाहिए, चार चार पांच पांच गाड़ियां होनी चाहिए, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए, फलाना ढिमका सब कुछ होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? रिसोर्सेज की. गॉट इट? प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, जो प्लानिंग है ना, अगर हम प्लानिंग अच्छे से करते हैं, हम कोई अच्छे से स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए हम हमारी प्लानिंग अच्छे से करते हैं, तो हम जुडिशियल यूज कर सकते हैं रिसोर्सेज का. गॉट इट? मेजर प्रॉब्लम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्या मेजर प्रॉब्लम है हमारी? एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स. ठीक है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. ठीक है, क्योंकि कुछ हाथ के अंदर ही पावर है, जिसके कारण वो ज्यादा यूज कर रहे हैं रिसोर्सेस का. अब वो ज्यादा यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेस का, जिसके कारण डिप्लीशन हो रहा है. ठीक है,
अब डिप्लीशन हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है। ठीक है, अगर कोई चीज एक हाथ के अंदर आ जाए, मतलब किसी एक जने के अंदर पावर आ जाए और वो उसका मिसयूज करे, तो ऑब्वियसली बात है जो रिसोर्सेज है उनके अंदर क्या आता जाएगा, डिप्लीशन होता जाएगा। अगर डिप्लीशन होता जाएगा तो वो क्राइसिस के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, समझ में आया कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। नाउ नीड फॉर रिसोर्सेज प्लानिंग, अब हम देखेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग की नीड क्यों है हमें। तो रिसोर्सेज प्लानिंग की नीड इसलिए है कि एज यू नो दैट कि हमारे यहाँ कुछ रीजंस ऐसे हैं जहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। अगर वहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं बट कुछ रिसोर्सेज वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज बहुत सारे हैं वहाँ लेकिन कुछ रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है, तो इन्हीं सारी चीजों को हम कैसे, हमें बोलना चाहिए हैंडल करेंगे। ठीक है, उसी के लिए हमें रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप मैथ्स में अच्छे हो, सोशल साइंस में अच्छे हो, साइंस आपकी वीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोशल साइंस और मैथ्स में 2-2 घंटे दो पढ़ाई किए और साइंस के अंदर 3 आवर्स पढ़ाई करो। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी ना कि जिसके कारण आपका जो साइंस वीक है वो भी क्या हो जाए, आपका स्ट्रांग हो जाए। राइट, सो देर आर रीजन विच आर रिच इन सर्टन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि जहाँ कुछ रिसोर्सेज बहुत सारे हैं बट कुछ रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश के, इधर बहुत सारे मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट है। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा एग्जाम्पल रहते हैं आपका राजस्थान का, तो राजस्थान में आप देखोगे कि वहाँ सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत सारी है लेकिन वाटर जो रिसोर्सेज है ना उसकी बहुत कमी है। ठीक है, तो देखा कि अगर हमने राजस्थान की बात की तो वहाँ सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत सारी है हमारी, ठीक है, बट वाटर रिसोर्सेज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें हम तो वहाँ पानी बहुत है, ठीक है, वहाँ वाटर रिसोर्स बहुत सारा है बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है प्रॉपर। क्यों? क्योंकि वहाँ जो हिली एरिया है जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो नहीं पाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लाइक दिस। तो इन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये जो हमारा बैलेंस है, ठीक है, कि हर जगह का एरिया का हम पूरा बैलेंस बना के रख सके, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, नेशनल, स्टेट, रीजन एंड लोकल लेवल। ठीक है, सारे के लिए, ठीक है, नेशनल ऑब्वियसली बात है, लोकल लेवल अच्छा होगा तो स्टेट लेवल अच्छा होगा, स्टेट अच्छा होगा तो नेशनल लेवल अच्छा होगा, लाइक दैट। ठीक है, सॉरी, अब हम देखेंगे, हमने ये तो देख लिया कि रिसोर्सेस प्लानिंग क्या होती है, क्या है, अब हम इसका स्टेप देखना है। ठीक है, ये क्या, किन के थ्रू हम उसको कर पाएंगे, रिसोर्सेस प्लानिंग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा आपको प्लानिंग करनी है कि आपको मार्क्स अच्छे लेके आने, तो आपको प्लानिंग के लिए क्या क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितना खेलना है, कितना मोबाइल चलाना है, कितना आपको किस सब्जेक्ट पे देना है, लाइक दैट। ठीक है, सो रिसोर्सेज प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। सबसे पहला काम क्या है, हमें पूरी कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब हमें पता चल गया कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज है, उनके पास क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, तो उसके बाद उसकी हमें एक इन्वेंट्री बनानी चाहिए। इन्वेंट्री का मतलब एक लिस्ट बनानी चाहिए। ओके, एंड देन आपने देख लिया, आइडेंटिफिकेशन कर लिया आपने, सर्वे कर लिया, एक तरह से आपने पूरे बोलना चाहिए मैपिंग, सर्वे कर लिया आपने पूरी कंट्री का, आपने ये देख लिया कि कौन सा रिसोर्स कहाँ ज्यादा है, कहाँ किसकी कमी है, सब करके आपने एक लिस्ट बना ली। गॉट इट? अब हमें क्या करना है, इन्वॉल्विंग आ प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब आपने जो लिस्ट बनाई है उसको क्या करना है, उसको इन्वॉल्व करना है किसके अंदर, प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, एंड देन अब जब आपने इन्वॉल्व भी कर लिया प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मैच करना है प्लान को आपको किसके साथ, नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ। ठीक है, तो मैचिंग द प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। गॉट इट? सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन किया एंड इन्वेंट्री बनाई किसके, रिसोर्सेज की, पूरे कंट्री की, एंड देन हमने उसको इन्वॉल्व किया किसके अंदर, प्लानिंग स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर उसके बाद हमने उसको मैच किया उस प्लान को विथ ऑल ऑल विथ ओवर ऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, जो आपका नेशनल डेवलपमेंट प्लान है उसके साथ। गॉट इट बच्चा? नाउ
इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की रिसोर्स प्लानिंग की, तो आपको पता है क्या क्या हमारी, अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो क्या क्या बेनिफिशियल होंगे, हमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके। तो हम जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, रिसोर्सेज का जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। एनवायरमेंट पॉल्यूशन को भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और साथ के साथ में ये जो ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रहा है हमारे रिसोर्सेज का, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तीन चीजें हमारी, हम रिसोर्सेज को बर्बाद होने से, वेस्ट होने से बचा सकते हैं, एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ के साथ में जो ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है ना, ओवर एक्सप्लोइटेशन जो हो रहा है रिसोर्सेज का, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं रिसोर्सेज प्लानिंग के थ्रू। ओके, ना रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। अगर हम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करें तो ये क्या है, प्लान यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मीट दी प्रेजेंट नीड एंड टू स्टोर आ पार्ट फॉर दी फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग एंड रिसोर्स कंजर्वेशन में क्या डिफरेंस है, रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये हमें प्लानिंग करके रखना है कि हमें कैसे उसको यूज करना, ठीक है। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारे रिसोर्स को कंजर्व करके रखना है, हम उसको स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो प्लान यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मीट दी प्रेजेंट नीड, हमें इस हिसाब से क्या बोलना चाहिए, रिसोर्सेस को यूज करना चाहिए जिसके कारण आप क्या कर सको, आपकी जो प्रेजेंट की नीड है उसको भी आप फुलफिल कर सको, साथ के साथ में कुछ जो पार्ट है उसको आप स्टोर करके रख सको, किसके लिए, आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए। गॉट इट। नाउ नेसेसिटी ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन, तो मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल, इफ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, क्या रिसोर्स मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन उसकी नेसेसिटी क्यों, उसकी मतलब उसकी जरूरत क्यों हमें, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल, हमने देखा था कि बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे जो कि नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल है, अगर हम उसको कंजर्व करके रखते हैं तो हम उसको बहुत टाइम तक के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी चीज क्या बोला जा रहा है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स करोगे तो जिसके कारण जो आपका वेस्ट होता है, ठीक है, तो आप उसके अंदर भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, और जिसके कारण इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, जिसके कारण आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर भी क्या होगी, हेल्प मिलेगी। गॉट इट बच्चा। नाउ थर्ड, रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, और जो रिसोर्स कंजर्वेशन हो रहा है वो क्यों, जिसके कारण क्या होगा, आप एनवायरमेंट को भी क्या करके रख सकते हो, प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। इन सब के लिए मैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल कि आपको मान के चलो 2-1 किलोमीटर कहीं जाना है, ठीक है, तो आप गाड़ी से ना जाते हुए या तो आप वॉक करके चले जाओ या फिर आप साइकिल से चले जाओ, तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपको पता है जो आपके नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है उनको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपके गाड़ी के अंदर फुल टैंक करवाया है वो आपका 10 दिन चलता, ठीक है, बट अब आप जो 2-2 किलोमीटर है वो आप क्या कर रहे हो, साइकिल से जा रहे हो या वॉक करके जा रहे हो, तो जिसके कारण क्या हो रहा है आपका, आपका जो पेट्रोल 10 दिन चलना चाहिए था आप 15 दिन चलेगा, ठीक है, तो आप उसको और ज्यादा टाइम तक के लिए यूज कर सकते हो। जिसके कारण जो प्रोसेस बिना बात में आपका वेस्ट हो रहा है, जो रिसोर्सेज बिना बात में आपका वेस्ट हो रहा है वो आपका बच रहा है एंड आप हेल्दी भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वॉक करना या साइकिल से जाना एक तरह से एक्सरसाइज हो रही है आपकी, राइट, और साथ के साथ में आपकी इकोनॉमिक भी प्रोसेस हो रही है। क्यों, क्योंकि अब आपका वो 15 दिन चलेगा तो ऑब्वियसली बात है 5 दिन का जो पेट्रोल का पैसा था वो भी आपका क्या हो गया, बच गया। और साथ के साथ में अगर आप गाड़ी से नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप पेट्रोल नहीं जला रहे हो, पेट्रोल नहीं जला रहे तो एनवायरमेंट के अंदर क्या नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। गॉट इट। तो ये ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं हम। गॉट इट। नाउ अब हम देखेंगे गांधी जी का क्या आइडिया था, ठीक है, या गांधी जी क्या सोचते थे, क्या सोचते थे रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। सो उनका कहना ये था, अगर हम बात करें ना हमारे एनवायरमेंट के, ठीक है, तो एनवायरमेंट के अंदर देखोगे कि आपके पास मतलब हमारे एनवायरमेंट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इतने रिसोर्सेज है कि वो सबकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि लालच तो होती ही बुरी बला है बच्चा, ठीक है। तो देयर इज अ इनफ फॉर एवरी वन नीड्स एंड नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड, ठीक है। हमारे अगर हम बात करें हमारे एनवायरमेंट की, हमारे नेचर की, तो उसके अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे रिसोर्सेज है वो सबकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं लेकिन ग्रीड को नहीं। गॉट इट। ये बहुत अच्छा बोलना चाहिए आपका थॉट है।
ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द कॉजेज ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। और जो मेन गांधी जी का कहना था, ऑब्वियसली बात ये सही भी है, ये जो हमारा ग्रीडी और सेल्फिश नेचर है ना, और हम बोल सकते हैं ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, आ गई है, ठीक है, उसके कारण ज्यादा मिसयूज हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम उसको उतना यूज ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये भी एक नीड इज, एक बोलना चाहिए एक बात है, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन ऑफ मासेस, ठीक है। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। मास प्रोडक्शन मतलब कि ऐसा नहीं कि मशीन है, मशीन ने क्या कर दिया, बहुत सारे कपड़े बना दिए, ठीक है, और लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास 100 100 दो दो सौ 300 300 जोड़ी कपड़े हैं, और कुछ लोगों के पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है। तो उससे अच्छा गांधी जी का कहना ये था, इससे अच्छा तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ मासेस करना चाहिए, इससे अच्छा इंसान हाथ से बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, और लोग इतने सारे मतलब जितनी की जरूरत नहीं उतनी सारी चीजें खरीदेंगे भी नहीं। गॉट इट? ये तो भैया गांधी जी का सोचना था और आई थिंक सही था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्सेस। तो एज यू नो दैट लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंस, ठीक है। लैंड रिसोर्सेज हमारा एक तरह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है सारी चीजें लैंड के ऊपर ही तो होती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो सपोर्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, ह्यूमन एक्टिविटी को, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ऑल, ठीक है। ये जितनी भी सारी चीजें होती है ना आपकी लैंड के ऊपर ही होती है। नाउ लैंड इज एन एसेट एंड इट्स प्रेजेंट इन लिमिटेड साइज, सो वी मस्ट यूज देम इफेक्टिवली, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, लैंड को हम एक तरह से एसेट बोल रहे हैं, और साथ के साथ में ये भी बोल रहे हैं ये प्रेजेंट है लेकिन लिमिटेड साइज है, इसलिए हम उसको कैसे यूज करना चाहिए, इफेक्टिवली यूज करना चाहिए, ओके। मतलब इस हिसाब से यूज करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, बेनिफिट हो सके। अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ कौन कौन से फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ तो एज यू नो दैट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, माउंटेन है, कोस्टल एरिया है, एंड ऑल लाइक दैट, ठीक है। तो लैंड रिसोर्सेज इन इंडिया हमारे पास इतने सारे। नाउ अब हम बात करते हैं लैंड अंडर इम्पोर्टेंस रिलीफ फीचर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका ये आपके रिलीफ फीचर्स थे कि कौन कौन से रिलीफ फीचर इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर 3 का मेन डेटा दिया गया है आपकी बुक के अंदर, जिसमें बोला जा रहा है अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो ये आप कलर से समझ जाइएगा, ये कलर ये इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, गॉट इट। तो अगर हम बात करते हैं प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू हमारे यहाँ 27% है, ओके। साथ के साथ में ये जो एरिया है वहाँ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं, गॉट इट। नाउ अगर अब हम प्लेन की बात करें, प्लेन एरिया की बात करें, तो वो 43% है, और यहाँ प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और यहाँ वहाँ की बोलना चाहिए कि वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ की क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी है कि वहाँ आपके लिए एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री का इंडस्ट्री बनाना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। एंड नाउ लास्ट वन इज माउंटेन्स, जो कि आपकी 30% है, जहाँ क्या होता है आपकी बहुत सारी रिवर्स क्या करती है, फ्लो करती रहती है, ठीक है, हमेशा, ठीक है, हमेशा कुछ रिवर क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। एंड वो जो एरिया होता है वो टूरिज्म के लिए होता है, और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए भी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। नाउ अब हम लैंड यूटिलाइजेशन देखते हैं, तो ये आपके 5 मेन पर्पस है, तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, वो 5 है। फर्स्ट वन इज फॉरेस्ट, ठीक है, तो एज यू नो दैट आपको पता ही है फॉरेस्ट हमारा एक रिसोर्सेज है। नाउ सेकेंड हम देखें लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, ठीक है, तो उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है बैरन एंड वेस्टलैंड, ठीक है। कुछ लैंड ऐसी होती है बैरन मतलब कि बंजर, या फिर वेस्टलैंड होती है जिसको हम कल्टिवेशन के लिए यूज नहीं कर सकते, गॉट इट। सेकेंड वन है लैंड फॉर टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, एज एग्जाम्पल बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एंड एजेट्रा। और आपको कुछ पता है कुछ जगह तो ठीक है वो तो है ही वेस्ट, वहां तो जान ही नहीं है, वहां के सॉइल में लाइफ ही नहीं है, तो वहां हम कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। बट कुछ जगह ऐसी होती हैं कि जो नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ रोड बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, यहाँ ये अगर बनेंगे तो ऑब्वियसली बात है उस जगह पे क्या नहीं हो सकेगा, कल्टीवेशन नहीं हो सकता। या तो कल्टीवेशन कर लो, या फिर आप क्या कर लो, या तो एग्रीकल्चर कर लो, या फिर आप बिल्डिंग्स बना लो, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि बिल्डिंग्स बनाना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स जरूरी है, फैक्ट्रीज जरूरी है, जिसके कारण हमारा जो डेवलपमेंट है वो और अच्छे से हो सके। तो इसलिए सेकेंड वाला जो है लैंड नॉट अवेलेबल
फॉर कल्टीवेशन, हमने यहाँ दो टाइप की लैंड देखी है जो कल्टीवेशन के लिए नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्या था आपका, फॉरेस्ट था, ठीक है। सेकंड क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जिसके अंदर फर्स्ट है बैरन एंड वेस्टर्न, दूसरी है लैंड फॉर टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, वो ऐसी लैंड जिसको हमने क्या करके रखा है, नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज अदर कल्टीवेटेड लैंड, ठीक है। अब ये कुछ इस टाइप की कुछ और भी हैं जो कि अनकल्टीवेटेड लैंड है, जिसके अंदर हम फेलो लैंड को एक्सक्लूड कर रहा है, ठीक है। जो क्या है आपके, परमानेंट पेश्योर एंड ग्रेजिंग लैंड, सेकेंड लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रॉप्स नॉट इंक्लूडिंग इन दी नाइट सोन एरिया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है इसके अंदर आपका, इसके अंदर जो फर्स्ट वाला बोला जा रहा है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो एरिया है वो हमने बोलना चाहिए आपके बेल क्या बोलते हैं, गॉट बफेलो एंड ऑल ये सब जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए छोड़ के रखी है, जिसके कारण वो वहां जाके क्या कर सके, घास वास खा सके, ठीक है। और कुछ कुछ जगहें ऐसी होती हैं लैंड अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ग्रॉप्स, जिसको हम क्या करके रखते हैं, आपने देखा होगा रोड पे बीच में कहीं हमने क्या करके रखा है, ट्री बना के रखी है, पेड़ लगा के रखे हैं लाइक दैट, ठीक है, जिसको हम नेट सोन एरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। थर्ड वन है वो हमारा कल्चरेबल वेस्ट लेन है। कल्चरेबल वेस्ट लेन का मतलब क्या होता है, ये चीजें आप अच्छे से समझ, ठीक है। कल्चरेबल वेस्ट लैंड की हम बात करते हैं तो ये वो एरिया होता है, ये वो लैंड होती है जिसको हम 5 साल से ज्यादा जहाँ हमने कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर नहीं किया, गॉट इट। कल्चरेबल वेस्ट लैंड क्या होता है आपका, वो लेफ्ट अनकल्टीवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर या 5 से ज्यादा साल के लिए। नाउ फेलो लैंड, फेलो लैंड के अंदर भी आपका क्या है, आपका करंट, करंट में क्या है आपका, करंट ऐसा होता है जिसको हमने 1 साल या फिर 1 साल से कम उसके अंदर हमने खेती नहीं की है, ठीक है। कल्चरेबल में क्या था कि हमने 5 साल से ज्यादा, करंट में क्या था आपका 1 साल और 1 साल से कम, और जो अदर देन करंट फेलो है वो क्या है, वो 1 to 5 है, ठीक है। मतलब 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम जो होता है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। हमने 3 टाइप का देख लिया, एक हमने कल्चरेबल देखा, ठीक है। कल्चरेबल के अंदर क्या था, 5 साल से ज्यादा, करंट के अंदर 1 साल से कम। अब 1 और 5 साल के बीच का जो टाइम है, ये बोलना चाहिए जो पीरियड है, वो उसको हम किस कैटेगरी में लेंगे, तो उसको हम लेते हैं अदर देन करंट फेलो के अंदर, गॉट इट। अब हम देखेंगे फिफ्थ जो है वो नेट सोन एरिया, ठीक है। तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप एरिया। यहाँ क्या बोला जा रहा है, एरिया सोन मोर देन वंस, ठीक है, वो एरिया जो कि हम एक से ज्यादा टाइम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, साथ के साथ में जो नेट सोन एरिया है, इन दोनों को मिला के हमारा क्या होता है, ग्रॉप्स क्रॉप एरिया बनता है, गॉट इट। हमने यहाँ क्या किया, कुछ आपको पता है कुछ खेतियां ऐसी होती हैं जो कि हम साल में एक ही बार कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन गन्ना, ठीक है, वो क्या उसको टाइम ही 10 से 11 मंथ लग जाते हैं, तो हम साल में एक ही बार कर पाते हैं, ठीक है। कुछ खेती ऐसी होती हैं, कुछ एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर 2 बार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो टाइम होता है वो 5-6 महीने का होता है, 4-1 महीने का होता है, तो 4-1 महीने के अंदर ग्रो हो जाती है, तो दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस क्रॉप एरिया बोलते हैं। नाउ आप ये देख सकते हो इसके अंदर प्रॉपर पूरा आपका ये सब कुछ दिया गया है, फॉरेस्ट आपका कितना परसेंट है, या आपका क्या बोलना चाहिए 1960 से 61 एंड 2014 से 2015 का पूरा आपको डेटा दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है इस टाइम पे फॉरेस्ट कितना था, इस टाइम पे फॉरेस्ट कितना है, इस टाइम पे बैरन कितना था, इस टाइम पे कितना, ये सारी चीजें आपके गिवन है, आप इसको इजिली अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ओके। नाउ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। तो अगर हम देखें कि इंडिया के अंदर कैसा पैटर्न यूज किया जाता है, तो इसके 2 फैक्टर्स है, ठीक है, एक फिजिकल फैक्टर्स है और दूसरा आपका ह्यूमन फैक्टर्स है। नाउ अगर हम फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं, तो टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल टाइप्स, ये हमारे क्या है, फिजिकल फैक्टर्स है। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर की, तो वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एसेट्रा, इन सबके बेसिस पे, मतलब फिजिकल फैक्टर्स हमारे लिए, फिजिकल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है, साथ के साथ में ह्यूमन फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है, जिसके कारण हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि मतलब वहां का यूज क्या, उस लैंड का यूज क्या है, या बोल सकते हैं उस लैंड का पैटर्न का क्या यूज है, गॉट इट। सो
लैंड यूज डेटा हाउ एवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम हैज नॉट बीन डन फुल्ली। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है, ये जो हमारा जो मैंने आपको अभी पीछे आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 93% डेटा ही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ बोलना चाहिए स्टेट हैं और जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का जो कुछ एरिया है वो इसके अंदर भी इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये 100% डेटा की इंफॉर्मेशन ये 93% डेटा की इंफॉर्मेशन है। अब हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है आपका। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम किसी भी चीज को इस हिसाब से यूज करें मतलब बोलना चाहिए मिस यूज करें उसका, ओवर यूज करें और उसको मेंटेन ना करें, वो हमारा डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन फिर आपने ध्यान देना बंद कर दिया, अब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप उसको याद नहीं कर रहे हो, तो आपके मार्क्स क्या होते जा रहे हैं, डिग्रेड होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, गिरते जा रहा है, वैसे ही ये होता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज। क्या बोला जा रहा है, हम कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से कंटिन्यूस यूज तो कर रहे हैं और साथ के साथ में हम कोई मेजर नहीं ले रहे हैं उसको कंजर्व या फिर मैनेज करने के लिए, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। ठीक है, रीजन आपको समझ में आ ही रहे हैं कौन कौन से हमारे माइनिंग हमारा, ठीक है, या डिफॉरेस्ट एंड ऑल, ये हमारे क्या है आपके प्रॉपर, ये सारे रीजन है आपके किसके, लैंड डिग्रेडेशन के। ठीक है, माइनिंग एक्सट्रक्टिंग डिफॉरेस्टाइजेशन एंड ऑल। अब हम देखेंगे इसके क्या कंजर्वेशन क्या क्या हमारा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या क्या मेजर्स है। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे 95% बेसिक नीड्स हैं, फूड शेटल शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, मूवी देखी ना आपने, वही रोटी कपड़ा मकान जो है हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो हमारी कहाँ से फुलफिल होती हैं, लैंड से ही फुलफिल होते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर लैंड नहीं होगी तो आप खाना कहाँ उगाओगे, खेती बाड़ी कैसे करोगे, लैंड नहीं होगी तो आप घर कहाँ बनाओगे, लैंड नहीं होगी तो कॉटन कहाँ उगाओगे, कॉटन नहीं उगाओगे तो आप क्लॉथ कैसे पहनोगे, लाइक दैट। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज डिफॉरेस्टेशन ओवर ग्रेजिंग माइनिंग एंड क्वेरिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ना आजकल वो ह्यूमन बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगा नेचर के मामले में, इसलिए तो सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो ह्यूमन जो है ना वो क्या करता है, वो ऐसी एक्टिविटीज करता है, डिफॉरेस्टाइजेशन होना, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी चीजें करता है जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है स्पेशली आजकल वाटर और लैंड पॉल्यूशन और बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आजकल ये कंट्रीज बन रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, तो उनका जो भी वेस्ट होता है वो हम क्या देखते हैं, वो लैंड पे ऐसे ही डाल देते हैं, वाटर में मतलब क्या बोलते हैं डाल देते हैं, एनॉल कर देते हैं, जिसके कारण भी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रही है। ओके, नाउ अब हम देखेंगे कि ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बोलना चाहिए क्या, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, ठीक है, एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है आपका, कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, अगर आपको जरूरत है, आपको पता है वुड की आपको जरूरत है, आपको पेड़ काटने पड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी जगह पेड़ लगाओ भी तो सही। ओके, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, हमें क्या करना चाहिए, प्लांटिंग करनी चाहिए किसकी, शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट की। कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, ठीक है, जो भेड़ बकरी है वो ओवर ग्रेजिंग करती है उसके ऊपर भी कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज पे भी कंट्रोल करना चाहिए। स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस, हमें क्या करना चाहिए, जो सैंडी रेतीला एरिया होता है वहां हमें थ्रोनी बुशेस को उगाना चाहिए जिसके कारण स्टेबिलाइजेशन हो सके सैंड ड्यून्स का। ठीक है, एंड सिक्स जो है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, जो आपकी वेस्ट लैंड है उसको हमें उसका भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए जिसके कारण आप उसको भी क्या कर सको, यूटिलाइज कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टाइम है, ठीक है, जिसको आप बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपको पढ़ाई नहीं करनी है उस टाइम में मत करो, लेकिन उस टाइम पे आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करो या कोई ऐसी नई चीज सीखो, ठीक है, जिसके कारण आपको आगे जाकर बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो हमने आपने क्या किया, एक तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट करा ना, इसी तरीके से जो वेस्ट लैंड है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। गॉट इट? नाउ एज यू नो दैट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सॉइल। ठीक है, तो सॉइल भी हमारे लिए क्या है, सॉइल के अंदर ही एक तरह से हम बोल सकते हैं हमारी लाइफ है। गॉट इट? नाउ
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो हम देखेंगे सॉइल एज रिसोर्सेस. तो एज यू नो दैट जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, ठीक है, वो लूज होती है, ब्रोकन होती है और यूजफुल होती है प्लांट के लिए. उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं. जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट की उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से सॉइल बोलते हैं. सॉइल जो है वो आपका रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है. इट इज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ. ये एक तरह से मीडियम है जिसके कारण आपके प्लांट ग्रो होते हैं और साथ के साथ में ये बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करती है, सपोर्ट भी करती है. गॉट इट. नाउ सॉइल कंसिस्ट ऑफ मिनरल मैटर सच एज सैंड क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर सच एज ह्यूमस बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म. जो सॉइल बनती है वो इन सारी चीजों से मिलके बनती है, ठीक है. जैसे कि मिनरल मैटर्स हो गए आपका सैंड क्ले, ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करें, ह्यूमस बैक्टीरिया अर्थ वॉर्म, इन सब से मिलके आपका क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है. ओके. सॉइल इज फॉर्म मेनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग अ लेयर ऑफ लूज क्रॉक मटेरियल इज फॉर्म ऑन दी लैंड सर्फेस, ठीक है. और जो मेन फॉर्म है वो क्या है, जो वेदरिंग प्रोसेस है ना, वेदरिंग का प्रोसेस मतलब होता है जो आपके पत्थर होते हैं वो टूट टूट के छोटे 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 पार्ट में डिवाइड होते जाते हैं और एंड देन वो क्या होता जाता है, एकदम बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में हो जाते हैं, तो वो क्या एक तरह से फॉर्म कर देते हैं, सॉइल फॉर्म कर देते हैं, ठीक है. इफ द लेयर रिमेन अनडिस्टर्ब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज टेक प्लेस इन इट, ठीक है. और अगर आप कुछ टाइम तक किसी भी लैंड को वैसे ही छोड़ दो, वहां कुछ भी ना करो, तो वो भी क्या होगी, उसके अंदर भी आप देखोगे कि अपने आप चेंजेस आएंगे. केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिक तीनों के तीनों चेंजेस आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे. ओके. और इन्हीं तीनों कारणों से, ठीक है, आपने देखा कि आपका जो मिनरल्स मैटर है और साथ के साथ में ऑर्गेनिक मैटर्स है, ठीक है, इसके साथ इसके कारण भी आपका सॉइल कंसिस्ट होता है. सॉइल फॉर्म जो होता है वो वेदरिंग के कारण होता है. और अगर आप बहुत टाइम तक किसी भी लैंड को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो केमिकल फिजिकल एंड ऑर्गेनिकल उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. और इन्हीं सारी वजह से, आपका क्या होता है, दिस चेंजेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. इसी के कारण आपका फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है. ओके. ये क्या आपका, ये कुछ नहीं है, ये आपका एक तरह से प्रोफाइल है सॉइल की, तो आप इसको देख सकते हैं. गॉट इट बच्चा. स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल लेयर है आपका, आपके बुक के अंदर भी डायग्राम दिया गया है. नाउ अब हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस को, ठीक है. पता है फोर टाइप के प्रोसेस हैं आपके. सबसे वन क्या है, क्लाइमेट, ठीक है. क्लाइमेट एक तरह से हम देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज डिसाइड द क्लाइमेट डिसाइड द रेट ऑफ वेदरिंग एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन. क्लाइमेट के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है, या क्लाइमेट के थ्रू ही डिसाइड होता है कि रेट ऑफ वेदरिंग क्या होगी और वहां किस टाइप की वेजिटेशन होगी, ठीक है. ऑब्वियसली बात है कि कोई वेजिटेशन ऐसी होती है जहाँ पानी ज्यादा चाहिए होता है, किसी को गर्मी ज्यादा चाहिए होती है, किसी को ठंड ज्यादा चाहिए होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें डिपेंड करेंगे. सेकेंड, टॉपोग्राफी. टॉपोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है आपकी, टॉपोग्राफी ऑफ अ लैंड डिसाइड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ठीक है. लैंड की टॉपोग्राफी से ही डिसाइड होगा एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल का. नेचर ऑफ पेरेंट रॉक डिसाइड कंपोजिशन एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ठीक है. वहां किस टाइप का रॉक है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें क्या कंपोजिशन होगा और टेक्सचर ऑफ सॉइल वहां का कैसा होगा. गॉट इट. एंड फोर्थ वन, वेजिटेशन डिसाइड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल इन दिस सॉइल. वेजिटेशन से ही डिसाइड होता है कि कितना अमाउंट ऑफ ह्यूमस अवेलेबल है सॉइल के अंदर. गॉट इट. हमने फोर फैक्टर्स देखे हैं, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड वेजिटेशन. और ये आपका डायग्राम है कि कैसे आपका क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम, पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज्म, ये कैसे सब मिलके सॉइल को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आपके, ठीक है. तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, ठीक है. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपके, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है. इन सारे बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं सॉइल को क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. उसकी थिकनेस कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसकी एज क्या है, उसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है. गॉट इट. सो आपकी बुक के अंदर सिक्स टाइप का क्लासिफिकेशन दिया गया है. एल्यूवल सॉइल मैंने ये आपको पिक्चर लगा के दिए हैं जिसके कारण आपको समझ में आए कौन सी सॉइल कैसी दिखती है, ठीक है. फर्स्ट है एलोवियल सॉइल, रेड एंड ब्लू सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड लैटराइट सॉइल.
हम इसको वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके सो हमारी जो फर्स्ट एल्यूवियल सॉइल जो है वो एक्चुअली में कहाँ मिलती है, वो ज्यादातर आपको नदर प्लेस के अंदर फाउंड होगी. ठीक है, और अगर हम स्टेट की बात करें तो आप देखोगे राजस्थान, गुजरात एंड ईस्टर्न कोस्ट प्लेन, पर्टिकुलरली इन दी डेल्टा ऑफ दी महानदी द गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर के इधर. ठीक है, अगर हम स्टेट की बात करें तो राजस्थान एंड गुजरात और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ आपको मेन मिलेंगी, और साथ के साथ में जो महानदी गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स है इनके डेल्टा पे भी आपको एल्यूवियल सॉइल ज्यादा मिलती है. गॉट इट? नाउ द एल्यूवियल सॉइल इज डिपॉजिट बाय थ्री इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम. ये जो आपकी एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट होती है उसके पीछे जो मेन इंपॉर्टेंट रीजन है वो है हिमालय रिवर सिस्टम. वह कौन कौन सी तीन रिवर है आपके? इंडस, गंगा एंड दी ब्रह्मपुत्र. अब ये जो बनती है वो किससे बनती है? इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ठीक है, जो एलोवेल सॉइल है वो आपकी किससे बनती है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले से बनती है. अब ये जो आपके एलोवेल सॉइल है उसको फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक खादर एक भांगर. ठीक है, खादर मतलब कि न्यू एलोवेल एंड भांगर मतलब कि ओल्ड एलोवेल सॉइल. ठीक है, अगर हम ओल्ड एलोवेल सॉइल की बात करते हैं तो उसके अंदर कंकर नोड्यूल ज्यादा होते हैं, वहां कंकर ज्यादा होती है, बोल सकते हैं वो इतनी फाइन नहीं होती है. ठीक है, इसलिए ये जो है इसकी फर्टिलिटी भी कम होती है कंपैरिजन टू न्यू सॉइल, मतलब न्यू बोलना चाहिए आपका खादर सॉइल के या फिर न्यू एलिवल सॉइल के. ठीक है, ये आप देख ही रहे हो, ये बोला जा रहा है ये मोर, इसके जो पार्टिकल्स है वो मोर क्या है, फर्टाइल, मोर फाइन है. अब वो फाइन ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा फर्टाइल है भांगर के कंपैरिजन में. गॉट इट बच्चा? जो ओल्ड होती है उसके अंदर क्या होते हैं, कंकर ज्यादा होता है, जहाँ कंकर ज्यादा है वो सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती है. न्यू वाली जो है ना वो बिल्कुल फाइन होती है, बिल्कुल मतलब एक तरह से बोलना चाहिए स्मूथ सी होती है, इसलिए वो ज्यादा फर्टाइल होती है. ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ बहुत सारे न्यूट्रिशन आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, पोटेश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम. और ये जो है ये किसके लिए अच्छा है? शुगर केन, राइस, वीट एंड पल्सेस की ग्रोथ के लिए ये सॉइल अच्छी मानी जाती है. ओके नाउ अब जो आपकी सेकेंड कैटेगरी है वो है आपकी ब्लैक सॉइल. सो ब्लैक सॉइल को हम रेगुल सॉइल भी बोलते हैं, और इसका कलर भी ब्लैक है इसलिए इसको हम ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं. ठीक है, क्लाइमेटिकल कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल. अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो ये जो मेन इसका फॉर्मेशन का जो हम बोल सकते हैं रीजन है वो क्लाइमेटिकल कंडीशन है, साथ के साथ वहां का जो पेरेंट रॉक मटेरियल है, इन फैक्टर्स के कारण क्या हो रहा है आपका ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है. ये किसके लिए अच्छी मानी जाती है? कॉटन के ग्रो के लिए अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है. गॉट इट? नाउ दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बासाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो. ठीक है, इधर जो आपकी बोलना चाहिए ब्लैक सॉइल है वो किससे बनी है? वो लावा फ्लो से बनी है. ठीक है, लावा का जो फ्लो होता है ना उससे यहाँ बनी है. और कौन कौन सा एरिया हम बोल सकते हैं जो डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है आपका बसाल्ट और आपका नॉर्थ वेस्ट का डेक्कन प्लेट्यू, वहाँ सब जगह क्या होती है आपको, आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी. ओके अगर हम बात करें आपकी स्टेट की तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, और साथ के साथ में आपकी गोदावरी एंड कृष्णा वैली जो है यहाँ आपको कौन सी सॉइल देखने को मिलेगी? ब्लैक कलर की. अब जो आपका थर्ड टाइप, नहीं सॉरी यही चल रहा है अभी, तो अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन दैट इज क्ले मटेरियल एंड वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चराइजर. ओके अब ये जो आपकी ब्लैक सॉइल है ना ये बहुत ही ज्यादा फाइन मटेरियल से बनी हुई है. ठीक है, मतलब बहुत ही ज्यादा बिल्कुल एक तरह से स्मूथ है. ठीक है, क्ले की तरह, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है कि इसके अंदर ये बहुत ज्यादा फाइन है ना, तो इसलिए इसके अंदर वाटर या मॉइस्चराइजर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज्यादा है. ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बनी हुई है इसलिए इसके अंदर कैपेसिटी भी ज्यादा है मॉइस्चराइजर को होल्ड करने की. अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेश एंड लाइम, ये सारी चीजें इसके अंदर ज्यादा मिलती है. ओके बट द सॉइल इज थिक व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमिजिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर एंड द ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड. ठीक है,
आप क्या होता है जब आपका प्री मानसून होता है या फिर आपका बोलना चाहिए पहली बारिश जब आती है आपकी, तो वो क्या होता है उस टाइम पे जो ये सॉइल होती है ना बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बारीक मतलब बोलना चाहिए फाइन पार्टिकल से बनी रहती है, ठीक है, फाइन पार्टिकल से बनी रहती है, तो उसके ऊपर जब फर्स्ट बारिश होती है ना तो बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है एक तरह से। नाउ जो आपका नेक्स्ट है वो है रेड एंड येलो सॉइल। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप ऑफ क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अगर हम रेड एंड येलो सॉइल की बात करते हैं तो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू का जो ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट है वहां देखने को मिलेगा, और इस सॉइल का डेवलप होने का जो रीजन है वो लो रेनफॉल है, वहां कम रेनफॉल होती है, लो होती है रेनफॉल, और वहां का जो रॉक है वो कैसा है, क्रिस्टलाइन एंड इग्नेशियस रॉक आपको वहां मिलता है, ठीक है, उसी की मदद से क्या बनती है वहां ये बनती है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो सॉइल है वो रेड क्यों होती है, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक होता है ना उसके अंदर आयरन होता है, आयरन आपको पता है थोड़ा सा रेडिश टाइप का ही होता है, तो वो क्या बोलना चाहिए कैटेगरी वो उसका जो क्या बोलना चाहिए एक तरह से उसके जो फीचर है वो जो रॉक के जो फीचर है वो किसके अंदर आ जाते हैं, सॉइल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और ये येलो कलर की कब दिखती है, जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाती है, ठीक है, मतलब जब उसके ऊपर बारिश नहीं होती है, पानी नहीं होता, तो वो रेड कलर की होती है, जैसे उसके ऊपर बारिश गिर जाती है या फिर वो जो सॉइल है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाती है तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना जब इसके ऊपर पानी नहीं गिरता है या डिहाइड्रेट फॉर्म में रहती है तो वो रेडिश कलर की होती है, और जैसे ही ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाती है तो उसका कलर येलो हो जाता है, ओके। अगर हम बात करें तो ये कौन कौन से एरिया में होती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या फिर हम बोल सकते हैं मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट में, और साथ के साथ में वेस्टर्न घाट के इधर भी ये मिलती है आपकी, ओके। नाउ अब जो हमारा है आपका फोर्थ वाला लैटराइट सॉइल, ठीक है, लैटराइट सॉइल की हम बात करें तो लैटराइट जो है वो एक आपका बोलना चाहिए ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है, ड्राइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है ब्रिक, ठीक है, मतलब कि ईट। द लैटराइट सॉइल डेवलप इन एरिया विच हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। ये जो सॉइल है वो कहाँ डेवलप होती है, वो उन एरिया में डेवलप होती है जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और रेनफॉल वहां क्या होती है बहुत ज्यादा हैवी होती है। अगर हम एरिया की बात करें तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरिया ऑफ द उड़ीसा एंड आसाम, इन एरिया में आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। नाउ ये सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडिक्वेट डोज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, आप फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का अगर आप प्रॉपर वहाँ बोलना चाहिए सॉइल के अंदर आप फीड करवा दो, प्रॉपर एडिक्वेट डोजेस दे दो उस सॉइल को, तो क्या होगी वो कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज डिकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्या बोला जा रहा है, ये लो ह्यूमस है क्यों, क्योंकि डिकम्पोजर है लाइक बैक्टीरिया और ये सब क्या हो गए डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो ये सारी चीजें क्या होती है मर जाती है। द सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी एंड कैशनट, ठीक है, ये जो सॉइल है उसके अंदर आपकी चाय, टी, कॉफी एज वेल एज कैशनट, मतलब कि आपके काजू अच्छे से ग्रो होते हैं इस टाइप की सॉइल के अंदर। नाउ जो अब आपकी फिफ्थ टाइप की है वो है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की हम बात करें तो ये रेड से लेके ब्राउन कलर की रेंज में होती है, ठीक है, मतलब कहीं रेड ज्यादा मिलेगा, कहीं ब्राउन ज्यादा मिलेगा, कहीं कुछ मिक्सअप कलर मिलेगा, लाइक दैट। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेटेड। अगर वहां क्योंकि ऑब्वियसली बात है एरिड मतलब क्या एक तरह से रेतीला एरिया ही है, वो बोल सकते हैं उस टाइप की सॉइल है, तो वहां पानी की कमी तो होगी, अगर हम उसके अंदर प्रॉपर इरीगेशन करें उस सॉइल के अंदर तो वो कल्टिवेटेड फॉर्म में आ सकते हैं, मतलब उसके वहां क्या कर सकते हैं कल्टिवेशन कर सकते हैं। लाइक ह्यूमस एंड मॉइस्चराइजर बिकॉज ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर मेक एवोपरेशन फास्ट, एज यू नो दैट वहाँ क्या है ह्यूमस की कमी भी है, मॉइस्चराइजर की कमी भी है, क्यों, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा ड्राई है, टेम्परेचर बहुत हाई है, जिसके कारण वहाँ का जो मतलब अगर वहाँ सॉइल के अंदर थोड़ा बहुत पानी रहता भी है तो वो उड़ जाता है, एवोपरेट हो जाता है, ठीक है। सॉल्ट कंटेन इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय द एवोपरेटिंग ऑफ वाटर। अब क्या बोला जा रहा है, जो सॉल्ट का कंटेन है बहुत ज्यादा हाई है और कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन होता है बाय एवोपरेटिंग द वाटर।
अगर हम बात करें तो ये मेन फाउंड इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी राजस्थान. द लोअर हॉरिजोन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स. ठीक है, अगर लोअर हॉरिजोन की बात करें सॉइल की, तो वहां कंकर ज्यादा ऑक्यूपाई किए गए, या बोल सकते हैं वहां कंकर ज्यादा है. क्यों? क्योंकि वहां कैल्शियम कंटेंट ज्यादा है, इसलिए. द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन दी बॉटम हॉरिजोन रिस्ट्रिक्ट दी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर. ठीक है, और दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, जो कंकर लेयर फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये आपका वाटर बॉटम होरिजोन में. ठीक है, जिसके कारण वो क्या कर रहा है, पानी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वहां जाने से. ओके, अब जो आपकी लास्ट टाइप की सॉइल है वो है फॉरेस्ट सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल तो ऑब्वियसली बात है आपको नाम से समझ में आ रहा है, ये हिली या फिर माउंटेन एरिया में देखने को मिलेगी आपको. ओके, इसके जो फीचर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं बाकी लोकेशन के ऊपर. ल्यूमिनेंट सिल्टी इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन द अपर स्लोप. ठीक है, क्या होता है, आपको ल्यूमिनेंट सिल्टी टाइप की मिलेगी, मतलब थोड़ा सा गीला गीली सी पंसे मिलेगी कहाँ, वैली के साइड में, नीचे की साइड में. क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर ज्यादा जाके इकट्ठा हो जाता है. और कोर्स एंड ग्रेन होगी कहाँ, ऊपर अपर साइड में, वो थोड़ी सी कोर्स एंड ग्रेन होगी. ठीक है, कंपेरिजन टू वैली साइड के, वैली साइड में कैसी होगी, ल्यूमिनेंट सिल्टी होगी. सिल्ट इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड द ऑलिवियल फैंस आर फर्टाइल. ठीक है, और साथ के साथ में क्या बोला जा रहा है, सिल्ट इन दी लोअर पार्ट ऑफ दी वैली, जो सिल्ट है वो कहाँ होगी, लोअर पार्ट ऑफ दी वैली होगी, पर्टिकुलर कहाँ होगी, ऑन दी रिवर टेरेस पे. ठीक है, रिवर टेरेस पे होगी, और एल्यूवल फेंस जो है वो आर फर्टाइल्स होंगे. नाउ आप ये देख सकते हो इसके अंदर ही आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपकी क्या है, ये आपकी फॉरेस्ट माउंटेनियस फॉरेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं माउंटेन सॉइल है. ठीक है, ये वाली जो है वो आपकी एल्यूवियल सॉइल है, ये जो है आपकी रेड एंड येलो सॉइल है. ठीक है, ये जो रेड कलर से बना हुआ है, एंड ये आपको जो ग्रेइश टाइप का दिख रहा है वो आपकी ब्लैक सॉइल है, और ये जो येलो दिख रहा है दिस इज योर एरिड सॉइल. और ये कहीं कहीं आपको ये इस टाइप का ये जो कलर दिख रहा है लाइक पीच कलर जैसा, लाइक दिस इज योर लिक्विड सॉइल. ओके, तो ये आपकी सॉइल के रिगार्डिंग आपका मैप है जो आपकी बुक के अंदर भी दिया गया है. ओके बच्चा, नाउ अब हम देखेंगे सॉइल इरोजन. ठीक है, सॉइल इरोजन की अगर हम बात करें तो सॉइल इरोजन क्या होता है, द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इन द डिस्क्राइब एज अ सॉइल इरोजन. एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका अपर पार्ट होता है, ठीक है, अपर पार्ट जो होता है अर्थ क्रस्ट का, वो क्या हो जाता है, डेन्यूडेशन हो जाता है. डेन्यूडेशन का मतलब ये होता है भले वेदरिंग हो या फिर क्लाइमेटिकल रीजन हो, किसी भी रीजन से वो क्या हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है ना, जो उसकी टॉप लेयर होती है, तो जब वो वॉश आउट होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है वही सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है. राइट, नाउ कॉजेस क्या क्या है इसके, तो एज यू नो दैट अगर आप नेचुरल वे की बात करें तो विंड ग्लेशियर एंड वाटर लीक टू सॉइल इरोजन. लेकिन अगर नेचुरली होती है ना वो तो कोई दिक्कत नहीं है. क्यों नहीं हो, क्यों क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि जैसे सॉइल इरोजन होती है तो सॉइल का फॉर्मेशन भी हो जाता है. ठीक है, बट कुछ जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण होती है, वो नेचुरली नहीं होती. हम डिफोरेस्टेशन करते हैं, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग एंड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें करते हैं, उसके कारण क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है. ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इरोजन. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ इरोजन, तो पहले क्या, गली इरोजन, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ क्या होता है, एक तरह से लैंड होता है और बीच में एक तरह से नाला सा या चैनल सा बन जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, ये एक तरह से इरोड ही है. ठीक है, तो ये हमारा गली इरोजन कहलाता है. दूसरा जो है वो शीट इरोजन होता है, आपको देखने को मिल रहा है किस टाइप की, ये आपके आप बोलना चाहिए एक तरह का एरिया है, फील्ड एरिया है आपका, लैंड एरिया है, और यहाँ कैसे आपको दरार सी देखने को मिल रही है. गॉट इट, नाउ वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं. गली इरोजन की बात करें तो द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल नोन एज गली. अब क्या बोला जा रहा है, क्या होता है, जब पानी एक तरह से जाता जाता है तो वो क्या करता है, वो एक तरह से रनिंग वाटर कट थ्रू दी क्ले सॉइल, क्ले सॉइल को क्या कर देता है, वो कट कर देता है और एक डीप चैनल बना देता है. ठीक है, अब प्लेन सॉइल की, अब प्लेन मतलब प्लेन जगह थी आपकी, वहां से पानी जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एक तरह से कट करते 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 क्या कर देगा, वो एक तरह से नाला या फिर एक तरह से क्या बना देगा, चैनल सा बना देगा, डीप चैनल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, गलीस बोलते हैं, जो कि एक तरह से दिस मेक द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड इज नोन एज बैड लैंड. जिसके कारण क्या होता है, वहां कल्टीवेशन के लिए वो फिट नहीं होती, अच्छी नहीं होती, इसलिए हम उसको बैड लैंड बोल देते हैं.
इन दी चैनल बेसिन सच लैंड इज नोन एज रिवाइंस। ठीक है, अगर हम चैनल बेसिन में बात करें तो वहां इसको क्या बोला जाता है, उसको वहां रिवाइंस बोला जाता है। नाउ सेकेंड आपका शीट इरोजन। ठीक है, व्हेन वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप एंड द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे इज नोन एज अ शीट इरोजन। एक्चुअली में क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा आपका एरिया है। ठीक है, अब वो जो एरिया है आपका, वहां क्या होता है आपका, मतलब एक तरह से पानी पूरा का पूरा जाता है। अगर वो पानी पूरा का पूरा उधर फैल जाता है तो क्या होता है, वो जो टॉप सॉइल होती है ना, उसका मतलब प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना वाटर का, कि जो आपकी टॉप सॉइल होती है ना, वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका, आपके यहाँ सरफेस, आप सरफेस पे पानी डालते हो तो कोई कचरा होता है, अगर आप तेज तेज स्पीड से पानी डालते हो तो वो कचरा क्या हो जाता है, घुल जाता है, राइट। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ कचरे की जगह जो टॉप सॉइल होती है ना, जो फर्टाइल सॉइल होती है ना, वो धुल जाती है। अब आपका क्या है, दूसरा है आपका विंड ब्लो, विंड इरोजन भी। आपका विंड इरोजन क्या होता है कि विंड ब्लो लूज सॉइल सो फ्लैट एंड स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। क्या होता है कि आपका जो, अगर बहुत तेज हवा चलती है तो उसके कारण भी क्या होता है, जो आपका पानी से तो गया, लेकिन आप कभी देखते होंगे कि बहुत तेज हवा चलती है तो चीजें उड़ने लगती हैं, राइट। तो वैसे ही जो सॉइल है वो भी क्या हो जाती है, इरोड हो जाती है। जो लूज सॉइल होती है वो भी क्या हो जाती है, ब्लो हो जाती है। ठीक है, उड़ जाती है। अब हमने ये तो देख लिया क्या होता है सॉइल इरोजन, लेकिन हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके मेथड देखेंगे। तो ये आपके 4 टाइप के मेथड होते हैं, कंटूर प्लगिंग, शेल्टर बेल्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग एंड टेरेस कल्टीवेशन। हम इसको वन बाय वन देखते हैं। अगर हम कंटूर प्लगिंग की बात करें तो आप देखते हो जैसे चावल होते हैं, या फिर आपके गेहूं होते हैं, या फिर आपका कोई भी आटा वाटा होता है, आप उसके अंदर ऐसे ऐसे हाथ नहीं करते हो तो वो ऐसे टाइप का बन जाता है। तो यही आपकी क्या हो जाती है, कंटूर प्लोइंग हो जाती है। तो प्लोइंग आफ्टर द कंट्रोल लाइन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। इससे क्या होता है आपका, कि ये अगर आप इस टाइप की कंट्रोल लाइन बना देते हो तो जिसके कारण डिसलरेट हो जाता है, किसका डिसलरेट हो जाता है, द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। ठीक है, जो मतलब बोलना चाहिए पानी का बहाव है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है इन कंट्रोल लाइंस की वजह से। जो सेकंड है आपका वो क्या है, शेल्टर बेल्ट। प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर हेल्प इन द स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून एंड इन द स्टेबिलाईजेशन द वेस्टर्न डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, यहाँ क्या किया जाता है, एक तरह से हम रो ऑफ सच ट्री बना देते हैं कुछ टाइप, जैसे कि आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये बच्चा ये, ठीक है, ये, ठीक है, ये हमने क्या करा, एक तरह का रो बना दिया। ठीक है, ट्री का एक रो बना दिया है, जिसके कारण आपका जो है ना सैंड ड्यूज होता है, या फिर जो आपका वेस्टर्न डेजर्ट का एरिया है, वेस्टर्न इंडिया में डेजर्ट जो है, आप वहां को पता ही, आपको वहां बहुत ज्यादा विंड चलती है, बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं, तो जिसके कारण क्या हो सके, कम से कम नुकसान हो सके, ये जो आपकी मेन फील्ड है ना उसको, और इसको हम शेल्टर बेल्ट बना दिया। मतलब हमने एक तरह से इनको सुरक्षित करने की, मतलब इनको सेफ करने के लिए हमने क्या करा, इनके लिए शेल्टर बना दिया। लाइक जो आपकी थर्ड है वो क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्टेड टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, देन दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। इसके अंदर भी क्या होता है, आप इस टाइप से ऐसे बना देते हो ना, तो जिसके जिसके कारण क्या होता है, ये जो आप स्ट्रिप टाइप की बना देते हो, गैप दे देते हो, क्या बोलना चाहिए, क्रॉप के बीच में, तो जिसके कारण क्या होता है, आपका जो आपका विंड है, अगर बहुत तेजी से चल रहा है तो उसके फोर्स को क्या कर देती है, वो कम कर देती है या फिर तोड़ देती है। इसको हम स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। एंड जो आपका लास्ट वन है वो है टेरेस कल्टीवेशन। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्ट इरोजन। इसके कारण भी क्या होता है, आपके इरोजन के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन लेके आती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन डन इन दी वेस्टर्न एंड दी सेंट्रल हिमालय। ये जो आप देखोगे ना, ये आपको ज्यादातर हिली एरियाज में ज्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का जो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस होता है ना, वो कहाँ किया जाता है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय के अंदर। गॉट इट बच्चा? सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आई नो आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट ये वन शॉट वीडियो, और एनर्जी नो दैट जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है, इसलिए बट मैंने फिर भी कोशिश की थी कि कम से कम टाइम में मैं इसको क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं। एंड आई होप मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, और साथ के साथ में जितना कम टाइम में कर सकती थी मैंने उतनी अपनी साइड से कोशिश की है, राइट। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, आपने इससे कुछ सीखा, तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर करना है। और साथ के साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना है, और हिट
करना है, प्रेस मतलब हिट करना है आपको बेल आइकन का, जिसके कारण आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके मेरे साइड से। ओके सो आज के लिए इतना, अब हम नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। ओके सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।